नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यह वीडियो रेलवे के आगामी किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ RRB JEE 2019 के ऑल शिफ्ट के ऑफिशियल पेपर, जो कि आपके 22 मई 2019 से 28 जून 2019 तक टोटल 39 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। और इस वीडियो में अपन स्पेशली बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की, जो कि प्रत्येक शिफ्ट में 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 30 क्वेश्चन आपकी साइंस से पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे गए थे, जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं। और ये सभी 39 शिफ्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है। आप यहाँ पे शिफ्ट वाइज डिटेल देख सकते हो कौन सी शिफ्ट में पेपर हुए हैं। तो इसमें सभी 39 शिफ्ट को सम्मिलित किया गया है। और इस वीडियो में अभी मैं 6 शिफ्ट को कवर कर रहा हूँ, जिसमें जीके के सभी क्वेश्चन को फैक्ट सहित बताऊँगा। एंड तक बने रहिए, इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी होंगे आपके। और बाकी बची हुई जितनी भी शिफ्ट हैं उसमें अपन 5-6 पार्ट में कवर कर देंगे NTPC एग्ज़ाम से पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही अगला पार्ट आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी आप यदि ये जो 1310 पेज की PDF फाइल है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग और GK के, ये PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो JEE की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मात्र ₹20 का पेमेंट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो 2018-19 में TCS कंपनी के द्वारा रेलवे के सभी एग्ज़ाम हुए हैं, 8 एग्ज़ाम, ये देख सकते हो डिस्काउंट डील के तहत। इन सभी की PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मात्र ₹85 का पेमेंट करके कर सकते हो, जिसमें ग्रुप डी 135 शिफ्ट के RRB, ALP, CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड, RPFSI, कॉन्स्टेबल, ट्रेडमैन, NTPC और JEE, इन 8 एग्ज़ाम के पेपर हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जैसे ही आपका पेमेंट हो जाए इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना स्क्रीनशॉट, और वहाँ पर आपको तुरंत PDF फाइल है वो भेज दी जाएगी। और यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC के सभी पेपर भी अवेलेबल हैं, जो TCS कंपनी ने कंडक्ट किए हैं 2018-19 में, जिसमें SSC CGL 10+2, GD 2019, CPO 2019, MTS 2017 और 10+2 2019 के GK के 25 शिफ्ट के क्वेश्चंस। और ये सभी 6 शिफ्ट आपको ₹60 में मिल रही हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और व्हाट्सएप कर दीजिए पेमेंट होने के बाद, आपको तुरंत PDF फाइल भेज दी जाएगी। और कोई भी इश्यू होता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं 22 मई की प्रथम पारी के साथ। इसका पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्चैन? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 ओम, 80 ओम और 60 ओम दे रखा है। जो राशि जितनी बड़ी होगी उसका विद्युत प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 ओम है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो निर्जलीकरण का मतलब क्या, शरीर में पानी की कमी। तो पानी की कमी के दौरान हमारे शरीर में जो लवण वगैरह हैं वो कम हो जाते हैं, तो नष्ट होने वाला पदार्थ हो जाएगा आपके सोडियम क्लोराइड, जो लवण है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सवाल है, पहले एशियाई खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था दोस्तों 1951 में भारत में हुआ था, दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और फिर एक बार हुआ था 1982 में भारत में। अब तक दो बार एशियाई खेल हो चुके हैं, 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल और 1982 में भी नई दिल्ली में हुआ था। और अभी जो पिछला एशियाई खेल है वो 2018 में हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में, और नेक्स्ट जो 2022 में एशियाई खेल होने वाले हैं वो आपके हांगझाऊ चाइना में होंगे 2022 में, उसके बाद फिर 4 साल 2026 में होंगे जापान में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल है वो सबसे लंबा रहा है, 12 वर्ष और 107 दिवस का रहा है, 1950 से लेकर 1962 तक। और राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, तो ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में यदि अपन प्रतिरोध को ऐड करेंगे तो वो अपना हो जाएगा समानांतर क्रम, पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये समानांतर क्रम हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर प्रतिरोध का जो योग होगा 1/r है, परिणामी प्रतिरोध वो होगा, जितने भी प्रतिरोध हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती आपको जोड़ करनी पड़ेगी, तो 1/r1 + 1/r2। अगला सवाल, तो नेक्स्ट GK का सवाल है, किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर, जो कि झारखंड की सिटी है, और इसका नाम पड़ा है टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के नाम पर,
तो ये है जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं, झारखंड का है, जिला पूर्व सिंहभूम का ये सिटी है आपके जमशेदपुर, झारखंड राज्य का। अगला सवाल है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो आधुनिक मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों होमो सेपियंस है, जो कि एनिमल या जगत का है। अगला सवाल है, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, लेमन हो जाएगा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जीके का सवाल है, किस प्राकृतिक घटना में स्थितिक विद्युत शामिल होती हैं, तो ये दोस्तों प्राकृतिक घटना हो जाएगी आपकी तड़ित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तड़ित के अंदर जो लाइटनिंग होती है इसमें स्थितिक विद्युत है वो शामिल होती है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट है। अगला सवाल है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी के अंदर मापा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट जीके के सवाल की तरफ। सवाल है, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के एक अणु को इस प्रकार से लिखेंगे O2, तो O2 के अंदर कितने परमाणु हैं, O प्लस O, यानी दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, दो होते हैं। और ऑक्सीजन के द्रव्यमान की बात करें तो एक परमाणु के अंदर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 मोल पर ग्राम पर मोल होता है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 16 × 2 बराबर 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका द्रव्यमान ऑक्सीजन के अणु का। तो अगला सवाल है, सोनार का फुल फॉर्म आपको पूछा है, तो सोनार हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार का क्या कार्य होता है, जल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कि कितना वो गहरा है, ऑब्जेक्ट कितना सतह से दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है, तो इसका पता लगाने के लिए इसमें अल्ट्रावायलेट वेव, जो परास्रवी ध्वनि तरंग है, उसका प्रयोग किया जाता है। और रडार की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, जो हवा के अंदर कोई भी एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उनका पता लगाती है कि वो कितनी दूरी पर है, किस डायरेक्शन में है, वो होता है रडार में, और जिसमें रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। और सोनार में किया जाता है आपकी परास्रवी तरंग का। परास्रवी तरंग कौन सी होती है, वो तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, तो तंबाकू है उसके अंदर निकोटीन मौजूद होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निकोटीन जो कि सोलानेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, और निकोटीन के फॉर्मूले की बात करें तो C10H14N2, ये निकोटीन का फॉर्मूला होता है, और सोलानेसी कुल के जो पादप हैं उनमें पाया जाता है निकोटीन, और ये तंबाकू में मौजूद होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है, तो अपच के इलाज के लिए जो दवा का उपयोग किया जाता है वो एंटासिड होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंटासिड का क्या काम होता है, पेट में अम्ल के स्तर को कम करना एंटासिड का कार्य होता है। अम्ल का स्तर बढ़ जाता है तो अपच की बीमारी हो जाती है। अपच का मतलब क्या, बदहजमी। और यहाँ पर बात करें और भी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक, तो एंटीसेप्टिक का क्या मतलब हो जाएगा, पूतिरोधी। जो एंटीसेप्टिक होती हैं वो रोगाणुरोधक होती हैं, मरहम होती हैं, पूतिरोधी हो जाएगी आपके। और एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक की बात करें तो ये पीड़ा नाशक होता है, जो पेन को कम करता है, वो आपके एनाल्जेसिक हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन है एंटीबायोटिक, तो ये भी एक प्रतिजैविक है जो जीवाणु को मारता है, ये एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिशी से संबंधित है, तो बिल्कुल नाम से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओडिशी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो आपके हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ओडिशा का सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो धमनी से सिरा के अंदर जो रक्त का प्रवाहित किया जाता है उसे कहा जाता है कैपिलरी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी केसिकाएं करेक्ट हो जाएगा, कैपिलरीज है, तो जो धमनी से सिरा में रक्त का प्रवाहन किया जाता है वो कैपिलरी के द्वारा किया जाता है। और अगला सवाल है, किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के नाम से जाना जाता है, तो कोई भी परमाणु है उसके बाह्यतम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन।
जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो ब्रेक पैड है जो पहिए को स्पर्श करता है, तो इनमें से ये हो जाएगा पैड और रिम के बीच जो घर्षण लगेगा, घर्षण के कारण यहाँ पे पहिए हैं वो उसकी गति कम हो जाएगी और वो साइकिल रुक जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, जैसे पहले राजाओं के वक्त हुआ करता था कि राजा का उत्तराधिकारी उनका बेटा पुत्र या पुत्री होगी, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है, मतलब ये आपका एक गणतांत्रिक हो जाएगा। विश्व जल दिवस 2019 की थीम आपको पूछी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स का आने वाले किसी भी एग्जाम में बन सकता है। विश्व जल दिवस आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसकी जो 2019 में थीम थी वो थी आपके किसी को पीछे ना छोड़ो, लीव नो वन डिवाइड बिहाइंड, किसी को पीछे ना छोड़ो। और अगला सवाल, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो जो न्यूलैंड का आवर्षारणी का अष्टक नियम था, जिसमें प्रत्येक 8 तत्वों के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है, तो अष्टक का नियम कितने नंबर के तत्व तक लागू होता है? तो ये सिर्फ आपके कैल्शियम तक ही लागू था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल है, जिसका उपयोग करके जनरेटर के टर्बाइन से बिजली पैदा की जाती है, तो ये हो जाएगा आपके उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है। तो पृथ्वी के अंदर मौजूद जो गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल है, ये उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, और भाप का उपयोग करके यहाँ पे टरबाइन को जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुओं के बनने की वजह से काली हो जाती हैं, तो ये सिल्वर सल्फाइड के बनने से चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, सिल्वर सल्फाइड के बनने से। और सिल्वर सल्फाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, इसका उपयोग किया जाता है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें क्या रिएक्शन होती हैं, जो सिल्वर है उसकी रिएक्टन आपकी रिएक्शन होती हैं H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से होती है, फिर बनती है आपकी सिल्वर सल्फाइड Ag2S, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त होती है, तो ये आपके हो जाएगी चांदी के काले होने का, चांदी की जो कुछ दिनों बाद खुले रखने पर चांदी की वस्तुएं किसके बनने से काली हो जाती है, तो ये आपके सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? काफी इजी क्वेश्चन था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। अगला सवाल है, आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित थे? तो आर्थर परेरा है ये फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, फुटबॉल के खिलाड़ी थे आर्थर परेरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो ये आपकी कोयल हो जाएगा, कोयल है ये सामान्यतः घोंसले के अंदर अंडे नहीं देता है। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा, तो फुल मून उसके बाद नेक्स्ट फुल मून के बीच अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो ये 29.5 दिनों से थोड़ी अधिक, लगभग ये होती है दोस्तों 29.53, 53 दिन होती है, 29.53 डे होती है, यानी 29.5 से थोड़े अधिक, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। एक फुल मून से दूसरी अगली जो फुल मून है उसके बीच की अवधि है वो 29.53 डेज होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आँख का विकार नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन आपके आँख का विकार है, कौन सा आँख का विकार है ये पूछा आपको, तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जो आँख का विकार है, जिसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, निकट की वस्तु हैं वो तो अपन को स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, नाम से यहाँ पे अलग है। निकट दृष्टि दोष वैसे एक तरफा देखने पर लगता है कि निकट की वस्तुओं में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन निकट की आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की अस्पष्ट दिखाई देगी। और इसके निवारण हेतु जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों आपका कॉनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया हुआ है? तो ये दोस्तों बांध हो जाएगा कृष्णा नदी पर, जो बांध बनाया गया है वो है नागार्जुन सागर बांध, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, नागार्जुन सागर बांध ये तेलंगाना राज्य में है। बाकी बात करें भाकड़ा नागल, जो भाकड़ा नागल है ये सतलज नदी पर बनाया हुआ है,
और हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड है ओडिशा, महानदी में, ओडिशा में है, महानदी पर बनाया हुआ बांध है, और नर्मदा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? जो कोच होते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं, उनको दिया जाता है। और इस पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये जो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है, इनका नाम है रघुनंदन गोखले, और ये हैं शतरंज खेल से संबंधित थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहाँ पे ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है, कौन सा मतलब आपके जॉइंट है वो नहीं है? तो टखना, घुटना, गर्दन, कोहनी। यहाँ पे नेक आपका करेक्ट हो जाएगा, गर्दन में कोई भी जॉइंट नहीं होता है। और इस टाइप से एक और रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हो, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम है वो ढंग से पूर्ण करेगी? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। उस प्रकार फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है? तो ये एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम, ये मेंडलीव की आवर्तसारणी में इन तत्वों की भविष्यवाणी की गई थी। फिर बाद में ये तत्व खोजे गए तो एग्जैक्ट उसी जगह में ये तत्व है उनको व्यवस्थित किया गया था। तो एका बोरॉन दोस्तों कहा जाता है, ये आपके स्कैंडियम को कहा जाता है। बाकी बात करें एका एल्यूमिनियम की, तो एका एल्यूमिनियम ये बहुत बार पूछा जाता है, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। तो एका सिलिकॉन कहा जाता है दोस्तों जर्मेनियम को, और एका एल्यूमिनियम कहा जाता है गैलियम को, और एका बोरॉन आपका स्कैंडियम हो जाए। जो भी आपकी आवर्तसारणी थी मेंडलीव की आवर्तसारणी, उसमें जो ग्रुप खोजे गए थे तो उनमें भविष्यवाणी की गई थी कि आपके बोरॉन के नीचे हैं कौन सा तत्व आने वाला है, तो वहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा गया था और फिर स्कैंडियम आया, तो उसका नाम हो गया एका स्कैंडियम। एका का मतलब क्या था? प्रथम तत्व जो भी आएगा उसका, तो एका स्कैंडियम हो गया आपके बोरॉन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे एका बोरॉन हो गया आपके स्कैंडियम, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कार्बाइन है। अब ये कार्बन की इसमें श्रृंखला होती है, जिस प्रकार डायमंड हीरे के अंदर होती है कि कार्बन एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इस प्रकार यहाँ पे हीरे से भी, ये डायमंड से भी कठोर पदार्थ है जिसका नाम है कार्बाइन, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर रोनाल्ड रोस ने ये खोज की थी कि मलेरिया है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, रोनाल्ड रोस ने ये खोज की थी। पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए HRD मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का आपको नाम पूछा है। तो HRD मंत्रालय के द्वारा जो योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसमें स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए योजना थी, इसका नाम है दोस्तों शाला अस्मिता। HRD की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो HRD मिनिस्ट्री द्वारा ये योजना है शाला अस्मिता, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखी जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? सामान्यतः जो कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कौन सी स्थिति में अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी को उबाल सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वथनांक क्या होता है, किसी भी दरों का क्वथनांक क्या होता है। तो दोस्तों क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वाष्प दाब, उस दरों का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है। वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, तो वह ताप आपका होगा क्वथनांक, मतलब वह ताप जो पानी उबालता है वही आपका क्वथनांक होता है, जिसमें जल है वो भाप बनता है, वाष्प के रूप में कन्वर्ट होता है। तो उस स्थिति में कौन सा ताप होगा? जहाँ पर वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है? वायुमंडलीय दाब के इक्वल। यदि वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, कम वाष्प दाब पर ये क्वथनांक हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब जितना अधिक होगा तो उसको उतनी ही ज़्यादा अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी वायुमंडलीय दाब की इक्वल करने के लिए, क्वथनांक यानी जल को उबालने के लिए। तो यहाँ पर दाब अपना जितना ही कम होगा, वो वाष्प दाब है उसके इक्वल जल्दी हो जाएगा, मतलब कम ताप पर इक्वल हो जाएगा,
तो उस केस में यहाँ पे आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर। इसलिए आपको पता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं ऊंचाई में हाइट की स्थिति में, वहाँ पर यदि अपन जल वगैरह उबालते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उबलता है, क्योंकि ऊंचाई में दाब कम होता है। दाब कम होने का क्या मतलब हुआ कि उस द्रव का वाष्प दाब है वो बहुत ही कम ताप पर इस दाब के इक्वल हो जाएगा और वही आपका क्वथनांक हो जाएगा। क्वथनांक का मतलब पानी है, वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो निम्न दाब आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को दोबारा नापने के लिए अप्रैल में अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा था? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। अभी तक नेपाल ने इसकी हाइट मेजर नहीं की है। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की थी, जो आपको पता है 8848 मीटर हाइट है, वो 1954 में एक सर्वे हुआ था, भारत द्वारा ये सर्वे कराया गया था 1954 में। वहाँ पर भारत ने ये हाइट मेजर की थी और उसको मानक मानकर नेपाल में ये रखी गई है कि इसकी हाइट है 8848 किलोमीटर। लेकिन अभी दोबारा है वो नेपाल ने इसकी हाइट को मेजर करने के लिए अपने पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर भेजा है। तो किसने भेजा? नेपाल ने भेजा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद है वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए यहाँ पे आपका लेंस कौन सा है, ये लेंस है अवतल लेंस, तो आपको पता होना चाहिए इस टाइप से होता है आपका अवतल लेंस। तो ये इसका हो गया मुख्य फोकस। यहाँ पे वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है? अनंत और अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और अनंत, यहाँ पे कहीं अपन वस्तु रख देते हैं, ये आपका एफ मान लेते हैं, ये 2F मान लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ओ और अनंत के मध्य कहीं पर भी रखेंगे तो ये समानांतर आ रहा है ये प्रकाश की किरण, और ये लेंस है तो परावर्तन हो अपवर्तन हो जाएगा इसका। तो इस टाइप से अपवर्तन होने के बाद समानांतर प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से, तो एफ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी अपन की किरण, ऐसे गई और वापस इस टाइप से यहाँ से प्रतीत होगी आपको आती हुई, तो यहाँ से गुजरेगी एफ से। फिर जो ऑप्टिकल बिंदु है ये सेंटर ओ है, यहाँ से जो प्रकाश किरण आती हैं वो सीधी चली जाती हैं, इस टाइप से सीधी चली जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पर? यहाँ पर, जो कि वस्तु से क्या है, छोटा है, तो हाशित प्रतिबिंब बनेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो स्पष्ट बता देता हूँ, ये इस टाइप से आपका लेंस है और यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अवतल लेंस में, अनंत और ये जो ऑप्टिकल ओ है सेंटर ओ के मध्य रखा हुआ है, तो ये वस्तु आई और समानांतर प्रकाश किरण है, ये यहाँ से अपवर्तन होगा तो इसमें वापस एफ पर आती हुई ये किरण प्रतीत होगी एफ पर, और जो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगी ये किरण, ये नियम होता है, ये ओ से डायरेक्ट निकल जाती है ये किरण, यदि आपके ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो वो सीधी निकल जाती है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। गड़गड़ाहट की आवाज़ किसकी वजह से होती है? तो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है वो ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन होता रहता है जिसके कारण गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर हैं ये दोस्तों मिश्र धातु हैं आपके लेड और टिन की है। किसकी है? लेड और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। लेड का मतलब क्या है? पीबी। टिन का मतलब है एसएन। तो ये हो जाएगी सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है? तो भारत की प्रथम जो एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है वो अटल नगर है छत्तीसगढ़ की। तो अटल नगर छत्तीसगढ़ ये है एकीकृत ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी जो कि भारत की प्रथम है। एक यौगिक का आपको अनुसूत्र दिया था C2H6O और यौगिक का आपको नाम पूछा था। तो यहाँ पर यौगिक के नाम दो हो सकते हैं। दो किस टाइप से? एक तो हो सकता आपका C2H5OH हो जाएगा एथेनॉल। एक तो आपका एथेनॉल हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हो दो कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 और ऑक्सीजन, ये आपके एथेनॉल हो जाएगा। और एक हो सकता है यहाँ पे ईथर हो सकता है, किस टाइप से? CH3O CH3। इसमें भी आप देख सकते हो दो कार्बन 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ईथर और एथेनॉल ये दोनों हो सकते हैं, या तो आपका ईथर हो सकता है या एथेनॉल हो सकता है। तो ऑप्शन ये ए करेक्ट है। डाईमेथिल, जो दो तो आपके मिथाइल थे CH3 और ये ईथर ग्रुप था, तो डाईमिथाइल ईथर और इथिनॉल है, ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। और अगली शिफ्ट है आपके 22 मई की, जो लास्ट शिफ्ट है। 22 मई को केवल दो ही शिफ्ट थी, एक सुबह की और एक ये शाम की जो कि 4 से 5:30 बजे वाली शिफ्ट है।
तो देख लेते हैं इसमें जीके के क्वेश्चन है वो कौन से पूछे गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये क्वाशी यॉर्कर हो जाएगी। प्रोटीन की कमी से इस बीमारी में दोस्तों कुपोषण की एक बीमारी का रूप है। क्वाशी यॉर्कर हैं, बेरी बेरी हैं, मरसमस हैं, ये सभी कुपोषण की बीमारियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2F2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना होगा? तो ये आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस टाइप से आपका लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि प्रतिबिंब 2F2 से परे बन रहा है, यानी पीछे बन रहा है। तो ये मान लीजिए इसका F2 है और ये इसका 2F2, ये इसका F1 मान लेते हैं और ये 2F1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है इस मुख्य अक्ष पर, कि उसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बने, 2F2 से परे यहाँ पर कहीं बने। तो इसको दोस्तों ऑब्जेक्ट तो देखिए, जो इसके समानांतर प्रकाश की जो किरण आएगी वो F1 से गुजर जाएगी, यहाँ से इस टाइप से गुजर जाएगी, और सेकेंड जो भी किरण आएगी वो यहाँ से गुजरेगी, ये इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस का, तो यहाँ से गुजरेगी। तो ये प्रतिबिंब 2F2 से कहीं परे बन रहा है, मतलब इस टाइप से, ये थोड़ा मेजरमेंट सही नहीं है, F1 2F1, तो F1 और 2F1 के बीच में यदि अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा यानी आवर्धित बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया है? यानी कौन से खिलाड़ी की कप्तानी में इन्होंने IPL के 100 मैच जीत लिए हैं? तो MS धोनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? नहीं के केस में आपका लीची करेक्ट हो जाएगा। लीची के अंदर केवल एक ही बीज होता है, जिसके कारण ये बहुबीजी नहीं है। बाकी पपीता, सेब, अनार में एक से अधिक बीज होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लीची की बात करें तो लीची उत्पादन में जो फर्स्ट रैंक है वो चाइना की है और सेकेंड रैंक अपने इंडिया की है। लीची के प्रोडक्शन में सेकेंड रैंक है वो इंडिया की। इंडिया में ज़्यादातर लीची उत्पादन होता है वो बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, इन राज्यों में होता है लीची का उत्पादन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पदार्थ के एक अणु में मौजूद एक अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सभी का परमाणु द्रव्यमान का योग अपन करेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा? इस अणु का द्रव्यमान होगा, तो ये आपका हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं? तो कछुए के, टर्टल्स हैं, इसके दांत नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमावरी 9 क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके। हिमावरी 9 एक जापानी कौन सा उपग्रह है? तो ये हो जाएगा मौसम उपग्रह है, वेदर सेटेलाइट है, जापान का है हिमावरी 9। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसकी चाल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों वस्तु की चाल है वो ध्वनि की चाल से अधिक हो रही है तो उसकी चाल को कहेंगे, उस वस्तु की चाल को सुपर सोनिक चाल कहा जाता है। और यदि उस वस्तु की चाल है वो ध्वनि की चाल से कम रहती हैं तो वो आपके सब सोनिक हो जाएगी। सब सोनिक की बात करें तो जैसे यात्री विमान है, यात्री विमान में क्या होता है, ध्वनि की चाल से उनकी चाल कम रहती है। ध्वनि की चाल कितनी है दोस्तों? 343 ये मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में आप बदल सकते हो, लगभग 1200 के आसपास हो जाएगा, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड होगी वो ध्वनि की चाल है। उस ऑब्जेक्ट की चाल से कम है तो वो आपकी सबसोनिक हो जाएगी, अधिक है तो सुपरसोनिक हो जाएगी। हाइपोसोनिक क्या होता है दोस्तों? वैसे सुपरसोनिक में ध्वनि की चाल से 5 गुना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की चाल होगी और हाइपोसोनिक में और भी ज़्यादा स्पीड होती है। वैसे जो ज़्यादा स्पीड वाले जो मापने के लिए उसको मैक के अंदर मापा जाता है उसका मेजरमेंट, जैसे ये मीटर पर सेकेंड है ना, उस प्रकार इसकी इकाई है। जब स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसको मैक के अंदर मापते हैं, MAGH। तो मैक की बात करें तो हाइपरसोनिक में 5 से ज़्यादा मैक हैं, यदि जिस भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 5 मैक से ज़्यादा है तो वो हाइपरसोनिक हो जाएगा। 1 से लेकर 5 मैक तक है तो वो सुपरसोनिक है, 1 से कम है तो वो आपका सबसोनिक हो जाएगा। इस टाइप से ये डिफाइन किए जाते हैं। हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? हेलिटोसिस, तो इसको आमतौर पर सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। सांस की दुर्गंध आती है उसे बोला जाता है हेलिटोसिस।
श्रेष्ठ ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। मेलाकाइट, मेलाकाइट है ये किसका ओर है, किसका अयस्क है, तो मेलाकाइट हो जाएगा आपके तांबा का, तांबा यानी कॉपर का अयस्क है। तांबा के और भी अयस्क हैं जैसे क्यूपराइट है Cu2O, ये भी तांबा का है और मेलाकाइट भी तांबा का है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें कुछ इम्पोर्टेंट अयस्क की, तो आपके जैसे कि मैग्नीशियम के यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम है ये, मैग्नीशियम के अयस्क की बात करें तो मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, किसेराइट है, ये मैग्नीशियम के अयस्क है। और बात करें यहाँ पे स्पेशली आपके पारा की, बहुत बार एग्जाम में आता है पारा जो है ये किसका अयस्क है, तो ये सिनेबार, तो सिनेबार है, तो सिनेबार ये अयस्क हो जाएगा, इसका पारा हो जाएगा आपके धातु एच, सिनेबार है, इसका फॉर्मूला होता है HgS, सिनेबार है, ये पारा का अयस्क हो जाएगा आपकी। और बाकी और भी जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक और एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन बहुत बार, बॉक्साइट है ये किसका, जैसे कि बॉक्साइट का अयस्क आपको पूछा जाता है, सॉरी एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा जाता है, तो वो बॉक्साइट हो जाएगा, यानी बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य जो बॉन्डिंग है वो आपकी सिंगल बॉन्डिंग है, वहाँ पे कोई डबल बॉन्डिंग नहीं है, ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं है, तो वो संतृप्त हो जाएगा। तो मिथेन बिल्कुल CH4 है, इसमें किसी भी टाइप की डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं, जैसे एसिटिलिन दिया हुआ है, एसिटिलिन या फिर इसे इथाइन बोला जाता है, ये होता है CH CH, एसिटिलिन है, तो इसमें आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये असंतृप्त हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे प्रोपलिन दिया हुआ है, प्रोपलिन होता है मैथिल एथिलिन, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये प्रोपलिन है, प्रोपीन आप कह सकते हो इसको, तीन कार्बन है, और या फिर इसे मैथिल, ये आपका मैथिल और एथिलिन बोला जाता है, इसको मैथिल एथिलिन। और ब्यूटाडाइईन के अंदर आपके दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, तो यहाँ पे चार कार्बन यानी ब्यूट हो जाएगा, दो इन है यहाँ पे, दो डबल बॉन्ड है यानी ब्यूटा डाई इन आपका, ये भी डबल बॉन्ड का है, मतलब ये आपके असंतृप्त कैटेगरी में आते हैं, बाकी मिथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है, गैसों और द्रवों का सामान्य नाम हो जाएगा द्रव, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये तो आपके। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें हाल ही में विलय हुआ है देना बैंक और विजया बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसी कारण ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। प्रथम सबसे बड़ा बैंक SBI है, प्रथम SBI हो जाएगा फर्स्ट रैंकिंग पे, और सेकेंड की बात करें तो HDFC ये सेकेंड है, और थर्ड आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसमें हाल ही में देना और विजया बैंक का विलय हुआ है, मर्ज होने के कारण ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2018 में वेब रत्न अवार्ड में प्लेटिनम खिताब जीता है, तो कौन सा मंत्रालय, ये है मंत्रालय दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। अब की बार दोस्तों SSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय हैं, इनके मंत्री कौन है फिलहाल हाल ही में, तो नितिन गडकरी इनके मंत्री हैं, और राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी, इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, और नितिन गडकरी हैं वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं इसके, तो ये अवार्ड दिया गया है इस मंत्रालय को, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2018 में वेब रत्न अवार्ड दिया गया है प्लेटिनम खिताब का, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, कार्यात्मक समूह है आपको CHO निम्नलिखित में से किस में मौजूद होता है, तो ये CHO समूह है ये एल्डिहाइड में होता है, कीटोन के अंदर क्या होता है ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कीटोन का समूह है, यहाँ पे R का हो जाएगा आपके कार्बन की श्रृंखला, और एल्कोहल का पता होना चाहिए OH होता है, और कार्बोलिक एसिड में क्या होता है सी डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, तो यहाँ पे दिया गया है CHO किसका, ये एल्डिहाइड का हो जाएगा आपके CHO ग्रुप। अगला सवाल, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है, ये टैगोर पहाड़ी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सुपरसोनिक विमानों से उत्पन्न जो आघात तरंगे होती हैं
वो इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं बाल श्रम के प्रतिषेध से संबंधित है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपकी 23, जो मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम से प्रतिषेध से संबंधित आर्टिकल 23 है। बाकी आर्टिकल 29 की बात करें तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, और इसी प्रकार आर्टिकल 30 भी अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उन वर्गों को विशेष अधिकार देता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना से संबंधित। तो ये आर्टिकल 30 भी अल्पसंख्यक से संबंधित हैं और आर्टिकल 29 भी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो इस टाइप से अनुच्छेद यहाँ पे 23 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये आपका ऑक्सीकारक अभिकर्मक होता है, जो कि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का काम करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा ऑक्सीकारक अभिकर्मक। ब्लीचिंग पाउडर की यहाँ पे व्यंजक चूर्ण बोला जाता है इसको, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, बहुत बार एग्जाम आता है इसका फॉर्मूला, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोला जाता है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण है ये किस में मापा जाता है? इजी क्वेश्चन था, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता को, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा। एस्टर में गंध होती है, तो जो एस्टर ग्रुप होता है इस टाइप से होता है RC(OOR-), ये एस्टर ग्रुप होता है, इसमें गंध होती है, फल जैसी गंध होती है एस्टर में। और एस्टर क्या होता है, अम्ल प्लस एल्कोहल का ये मिश्रण होता है एस्टर, और इसमें गंध होती है फल जैसी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो द्रव्यमान कैसी राशि है और भार कैसी राशि है इसमें आपको बताना है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, कैसी है, अदिश राशि है, और भार एक सदिश राशि है। तो भार आपका वेक्टर हो जाएगा, मास हो जाएगा स्केलर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और द्रव्यमान और भार के यहाँ पे मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम होता है, और भार का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो इन दोनों का मात्रक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं ये किसका उपचार करते हैं? तो ये आँखों के स्पेशलिस्ट होते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बाकी बोन्स की बात करें, हड्डियों के जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्थोडोंटिस्ट बोला जाता है, या फिर ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं हड्डियों के विशेषज्ञ को। और यहाँ पे त्वचा की बात करें तो त्वचा के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? पादप जगत से संबंधित आपको पूछा है, सही जवाब हो जाएगा फफूंद। ये जो फंगस होता है इनका अलग जगत होता है फंगी, फंगी किंगडम होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेन्स का ये समूह होता है फंगस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इजी क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है डल झील। अगला सवाल है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन के परिवहन का जो घटक है वो आपके RBC है, रेड ब्लड सेल, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है रक्त के अंदर, ये घटक है RBC। और RBC का एक अन्य नाम है दोस्तों एरिथ्रोसाइट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है RBC या फिर एरिथ्रोसाइट, ये किसे बोला जाता है? तो RBC को बोला जाता है। इसी प्रकार जो वाइट ब्लड सेल है इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, जो WBC है इसका क्या कार्य होता है? तो ये रोगों से बचाती हैं, प्रतिरोधी क्षमता का काम करती है, इम्यून सिस्टम का, ये WBC है। RBC होती हैं एरिथ्रोसाइट, जो कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक, मौर्य वंश के शासक अशोक हैं। अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा और पुत्र का नाम था महेंद्र वर्मन। और इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, संघमित्रा जो महान मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री थी, जिसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को अशोक ने भेजा था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। प्रथम शासक की बात करें मौर्य वंश की, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व। उसके बाद आए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक हैं, अशोक के बाद कुणाल हैं, और लास्ट था बृहद्रथ थे लास्ट में जो अंतिम शासक। और अगला सवाल, निम्न में से
कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे नाभिकों में विभाजित किया जाता है। तो ये नाभिकीय विखंडन होता है जिसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है और भारी नाभिक है वो छोटे छोटे नाभिक में विखंडित होते रहते हैं, नाभिकीय विखंडन जैसे कि परमाणु बम में होता है। और एक क्वेश्चन आता है नाभिकीय सेलेन है ये किस में, इसका एग्जांपल पूछा जाता है, या फिर सूर्य में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो कौन सी अभिक्रिया से होती है, तो नाभिकीय सेलेन से होती है। ये ध्यान में रखना है आपको, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय सेलेन से होती है। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या बोला जाता है, तो दो या अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होगा ये आपके विलयन हो जाएगा, सजातीय मिश्रण है जिसमें यानी समांगी मिश्रण है ये विलयन का होता है। जैसे विलयन की बात करें तो अपन पानी के अंदर नमक है या फिर पानी के अंदर शक्कर है, सोडा जल है, ये अब सभी विलयन है, समांगी है, सजातीय। और निलंबन, यहाँ पे एक टर्म आया है, निलंबन क्या होता है दोस्तों, विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि जल के अंदर अपन यदि आटा का मिश्रण करेंगे तो वो विषमांगी होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं घुलेंगे। मटमैला जल, तो मटमैला जल के अंदर और गंदगी के अणु हो जाता है, तो मटमैला जल ये भी निलंबन का उदाहरण है। और कोलाइड की बात करें तो कोलाइड दोस्तों होता है समांगी, दिखता समांगी है लेकिन वास्तव में वो विषमांगी होता है, कोलाइड है। जैसे ये विषमांगी है, ये समांगी है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो दिखता है दिखने में तो समांगी दिखता है लेकिन वास्तव में क्या होता है, विषमांगी होता है। जैसे प्रकाश किरण पुंज से, कोलाइड से यदि अपन गुजारते हैं प्रकाश किरण पुंज को, तो उसके द्वारा प्रकीर्णन किया जाता है, कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन किया जाता है, फिर वो कण अपन को दृष्टिगोचर होते हैं, ये कोलाइड की घटना होती है। और अगला क्वेश्चन है सिल्ली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट का टर्म है, सिल्ली पॉइंट है वो स्थिति होती है खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर होता है ये जैसे कि पिच आप देख सकते हो और यहाँ पे बैट्समैन यदि बैटिंग कर रहा है तो यहाँ पर पास में ही होता है, सिल्ली पॉइंट इसे बोला जाता है, क्रिकेट का टर्म हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। और जैसे कि ये देखिए रीजनिंग का है, आयतन है तो ये लीटर, मेजरमेंट के लिए बताया हुआ है, आयतन है ये लीटर में, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी आपकी मीटर में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने एक मीटर लंबे और एक वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है, तो यहाँ पे ये प्रतिरोधकता की परिभाषा बताई गई है। आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध होता है वो रो एल अपॉन ए होता है, रो क्या है यहाँ पे, रो आपकी प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता यहाँ से निकालेंगे तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, रो बराबर आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे क्या बताया गया इस क्वेश्चन में, जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोध की इक्वल हो जाएगी जब आपके तार की लंबाई एक मीटर हो और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर हो, तो यहाँ पर एक रखना है, यहाँ पर एक रखेंगे तो एक एक का कोई मतलब नहीं है, तो रो बराबर आर हो जाएगा। केस क्या होना चाहिए, शर्त होनी चाहिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर और आपकी लंबाई भी एक मीटर हो, उस केस में प्रतिरोधकता प्रतिरोध की इक्वल हो जाएगी, ये दिया गया था, तो प्रतिरोधकता हो जाएगी। बहुत बार एग्जाम में आता है प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है, तो प्रतिरोधकता की यहाँ से यूनिट आ जाएगी, ये देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और ये क्या आपका क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर है, ये प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं, विटामिन के का मुख्य कार्य किससे संबंधित है, तो विटामिन के है ये खून के थक्के जमने से रोक, थक्के जमने में सहायक होता है विटामिन के, रक्त का ब्लड क्लोटिंग के लिए सहायक होता है विटामिन के, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे चार मीनार हैं ये भारत में हैं, तो पिरामिड कहाँ में है, पिरामिड कहाँ पर है, तो मिस्र के अंदर हो जाएंगे पिरामिड, चार मीनार वैसे बात करें तो ये हैदराबाद में है और पिरामिड आपके मिस्र में, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है, समान जीवों का एक समूह जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट और प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ये समान जीवों का समूह है जो आनुवांशिक रूप से विशिष्ट होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, ये दोस्तों प्रजाति हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी, जो कि सबसे छोटी निचली श्रेणी है जैव वर्गीकरण की, जाति यानी प्रजाति है ये सबसे छोटी है। जाति के बाद आपको पता है वंश होता है, जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली कुल होता है, कुल के बाद आपका फैमिली क्या करेगी, ऑर्डर देगी, तो गण हो जाएगा, और गण के बाद यहाँ पे क्लास होगी, ऑर्डर देने पर क्लास हो जाएगी यानी वर्ग है, वर्ग के बाद आपका संघ होता है, फाइलम होता है, और उसके बाद आपके किंगडम होता है, जगत है, जगत के बाद डोमेन और लास्ट में लाइफ होती है। तो ये सबसे छोटी जैव वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, निचली श्रेणी है। और जाति का क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ भेड़िया, एक तरफ शेर ले लेता हूँ, एक तरफ भेड़िया ले लेता हूँ,
यदि ये दोनों ये संतान उत्पन्न करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। एक ही जाति के होने के लिए उनको उत्तरोत्तर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि मैं कुत्ते ले लेता हूँ, बहुत किसी भी प्रकार के कुत्ते हो, वो यदि यहाँ पे जनन करते हैं तो उनसे संतान उत्पन्न हो जाएगी, और फिर संतान से संतान उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार संतान उत्पन्न हो गई फिर उनके बच्चों से संतान हो ही नहीं रही है, तो वो आपके एक जाति के नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, आपको पता है घोड़ा और गधा, घोड़े और गधे से क्या होता है, तो इनसे होता है खच्चर। इनसे ये यदि जनन करेंगे तो खच्चर पैदा होगा, लेकिन खच्चर आगे संतान पैदा नहीं कर सकता है, तो उत्तरोत्तर यहाँ पर संतान पैदा होना ज़रूरी है। यदि खच्चर और खच्चर मिलकर संतान पैदा करें तो आपका हो जाएगा ये एक घोड़ा और गधा एक ही जाति के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से संतान पैदा नहीं हो रही आगे, तो ये अलग अलग जाति के हैं। घोड़ा गधा जेबरा, इनकी जाति तो अलग है घोड़े गधे जेबरा की, लेकिन वंश एक हो जाएगा। जाति की बात क्या है दोस्तों, वंश, तो वंश इनका एक हो जाएगा। इस टाइप से इसे डिफाइन किया जाता है। तो ये समान जीवों का समूह है जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट होता है और प्रजनात्मक रूप से विलगित होते हैं, वो आपकी प्रजाति हो जाएगी, स्पीसीज। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना, सिल्वर ब्रोमाइड है जिसे AgBr से डिनोट किया जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म में इसका प्रयोग होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फोटोग्राफिक फिल्म में किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। और सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना है, ये आपको रिएक्शन पूछी है, तो ये टूटने की रिएक्शन बिल्कुल ईजी है, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो ये हड्डी है दोस्तों एक्स, ये मानव शरीर में नहीं पाई जाती हड्डी, एक्स आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 ओम के प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/R क्या हो जाएगा, 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं तो 1/2 + 1/2 यानी आधा और आधा कितना, 1 हो जाएगा, 1R = 1 या फिर R = 1 ओम हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूमेरिकल के। तो भारत में राष्ट्रीय आय को किसके पदों में मापा जाता है, जब भी राष्ट्रीय आय का उल्लेख हो तो आपको याद रखना है वहाँ पे जो टर्म होगी वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी, कौन सी होगी, फैक्टर कॉस्ट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आय आ जाए तो नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो फैक्टर कॉस्ट पर कितना है, वही आपकी राष्ट्रीय आय हो जाएगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना है। शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो शतरंज के खेल में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं एस विजय लक्ष्मी, कौन है, एस विजय लक्ष्मी। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि हैं, तो ये हैं दोस्तों सप्तऋषि मंडल, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अन्य नाम में सप्तऋषि आ रहा है, तो यहाँ पर भी सप्तऋषि मंडल, हिंदी वाले कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। सप्तऋषि मंडल है, बिग डिपर ग्रेट बियर है, ये सप्तऋषि मंडल जो तारामंडल है इसके ही अन्य नाम है। वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है, तो माध्यम, ध्वनि के संचारण के लिए माध्यम का होना जरूरी है, और ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा जो माध्यम है वो ठोस में होती हैं, उसके बाद होती हैं दरों में, और सबसे कम गैस में होती हैं, ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए 25 वर्ष, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, शुक्र का वायुमंडल किस एसिड से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अम्ल से बना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या पूछी है, तो ड्यूटेरियम क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, समस्थानिक क्या होते हैं, तो एक ही तत्व होता है, तत्व आपका जिसका परमाणु क्रमांक है वो एक होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो आपके समस्थानिक हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें, परमाणु क्रमांक तो इसका एक ही रहेगा, 1H1, 1H2, 1H3, तो हाइड्रोजन है परमाणु क्रमांक एक है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान संख्या अलग हो रही है, 1, 2, 3, ये आपका प्रोटियम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो आपको ड्यूटेरियम का पूछा है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी, 2 है, प्रोटियम की 1 है, ट्राइटियम की 3 है, तो 2 आपको पूछी, ऑप्शन ए यहाँ पे 2 दे रखा है, प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 2 करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था, तो भारत में जो प्रथम टेस्ट मैच हुआ था
वो 1933 में हुआ था, भारत के अंदर जो प्रथम टेस्ट मैच 1933 में हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था, बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम है यहाँ पर हुआ था। वैसे अगर और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो भारत का पहला टेस्ट हुआ था 1932 में इंग्लैंड में, लॉर्ड इंग्लैंड में हुआ था भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में हुआ था, और वो हुआ था आपकी इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था लॉर्ड्स के अंदर। और भारत की बात करें तो यहाँ पर 1933 में बॉम्बे जिमखाना में हुआ है। इसी टाइप से भारत का प्रथम जो वनडे मैच है वो हुआ था 1974 में, 1974 में ये भी इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ था। और भारत का प्रथम T20 मैच है ये 2006 में हुआ था साउथ अफ्रीका के विरुद्ध, T20 2006 साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। 1974 में प्रथम ODI हुआ था इंग्लैंड के विरुद्ध, और 1932 में प्रथम टेस्ट मैच हुआ था ये भी इंग्लैंड के विरुद्ध था। और भारत की स्पेशली बात करें तो आपका प्रथम टेस्ट बॉम्बे जिमखाना में 1933 में हुआ था। अगला सवाल, जिस व्यक्ति ने, तो ये तो आपके रीजनिंग का है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बुगाकू। जो बुगाकू नृत्य है ये जापान का एक ट्रेडिशनल डांस है, बुगाकू यानी भारत का नहीं है। बाकी कुचिपुड़ी आपको पता है आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिशी उड़ीसा का है, बुगाकू है ये जापान का एक पारंपरिक नृत्य है यानी भारत का नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपकी शिफ्ट है ये है 23 मई की प्रथम पारी, देख लेते हैं इनके जीके के क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन आ रहा है, वर्ष में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था, तो कौन से वर्ष में ये क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक पारित हुआ है? तो 2016 में ये विधेयक पारित हुआ था राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सीट्रिक एसिड होता है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नींबू हो जाएगा, नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सीट्रिक होता है। बाकी अंगूर की बात करें तो अंगूर में सीट्रिक बहुत ही कम होता है, सबसे ज़्यादा अंगूर के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक भी होता है, मैलिक भी अंगूर में होता है, और सीट्रिक भी होता है जो कि बहुत कम होता है सीट्रिक। टार्ट्रिक और किस में होता है? तो टार्ट्रिक और इमली में होता है, अंगूर में हो जाएगा। आम के अंदर दोस्तों सीट्रिक होता है। केले की बात करें तो ये आपके अब की बार SSC 10+2 में पूछा गया 2019, केले में कौन सा एसिड है, पके हुए केले का पूछा गया था, तो केले के अंदर मैलिक एसिड होता है। और यहाँ पे सीट्रिक का पूछा है तो सबसे ज़्यादा नींबू का हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो BHU है ये किस राज्य में है? काफ़ी इजी क्वेश्चन आया, ये तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के, देखिए यहाँ पे इसमें जो टोटल आपके 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें 30 क्वेश्चन तो साइंस के यानी साइंस के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन है यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस है उनकी। तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है ये उनकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? तो केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में तो आपको दिया हुआ है और सेल्सियस में बदलना है तो माइनस आपको करना होगा, कितना 273 माइनस करना होगा, जितना भी केल्विन में दिया हुआ है उसमें से 273 घटाइए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेल्सियस में, यानी सी यहाँ पे माइनस किस में घटाना ए है तो 273 घटाना हो जाएगा। बाकी सेल्सियस और आपको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5, ये होता है एफ माइनस 32/9 बराबर सी बटा 5। इसमें जो भी एक वैल्यू दी है उसकी सहायता से अपन सी या फिर एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला सवाल, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो भारत में जो सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ था वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। सबसे पहले आपको पता है बंगाल के गवर्नर का पद था, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया, फिर भारत के गवर्नर जनरल का आया, उसके बाद भारत के वायसराय का पद आया, इस टाइप से पद किया यहाँ पे सर्जन हुआ है। और यहाँ पे बात हो रही है गवर्नर जनरल के पद की, तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत सर्जित हुआ था। और इनको यदि आपको याद रखना है कि प्रथम गवर्नर कौन थे बंगाल के, भारत के वायसराय कौन थे, तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक है दोस्तों, मैंने एक इससे पहले एक और वीडियो में बताया था, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, विलियम की मौसी,
तो आपको कैसे याद रखना होगा इसको, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। सबसे पहले जो भारत में गवर्नर का पद था वो बंगाल का था, बंगाल के गवर्नर जो कि रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर पद आया था बंगाल के गवर्नर जनरल का, तो वो थे है यानी हेस्टिंग थे। फिर पद आया दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल का, तो विलियम बैटिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद पद आया भारत के वायसराय का, तो कैनिंग हो जाएगा, भारत के प्रथम वायसराय थे कैनिंग। फिर पद आया स्वतंत्र हो गया भारत, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे मो यानी माउंट बैटन। और लास्ट में जो यहाँ पे बात करें अपन भारतीय गवर्नर जनरल की, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल से सी का मतलब है सी राज गोपाल चारी। तो इस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हो। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित किया जाता है? तो बच्चे का जो लिंग होता है वो गुणसूत्र क्रोमोसोम से डिफाइन होता है। और गुणसूत्र की बात करें यहाँ पे तो ये होता है जो फीमेल के अंदर क्या होता है 22+XX होता है, और मेल के अंदर होता है 22+XY। टोटल जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिसमें मेल के होते हैं 22+XY और फीमेल के XX होता है। यदि यहाँ पे X और X गुणसूत्र इनकी मैचिंग हो गई तो फिर आपकी जो संतान होगी वो होगा सन हो, यहाँ पे डॉटर होगी, सॉरी XX से आपकी डॉटर हो जाएगी। और XY से यदि मैचिंग हो गई तो फिर वहाँ पे आपके हो जाएगी पुत्र हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो 50-50 यहाँ पे चांसेस रहते हैं पुत्र और पुत्री के लिए। तो ये गुणसूत्र से डिफाइन होता है कि बच्चे का लिंग है सन होगा या फिर डॉटर होगा। अगला सवाल, खानवा का युद्ध है ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध आपको पता होना चाहिए 1527 में ये लड़ा गया था। किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था 16 मार्च 1527 को। कहाँ पर हुआ था? तो खानवा है ये दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिले में है, तो भरतपुर में हुआ था ये बाबर और राणा सांगा के बीच में, और जिसमें दोस्तों मुगलों की विजय हुई थी यानी बाबर की विजय हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2019 में तीन व्यक्तियों को यहाँ पे भारत रत्न है पुरस्कार दिया गया है। एक तो आपके भूपेन हजारिका को दिया गया है, सेकेंड यहाँ पे प्रणब मुखर्जी को, और दिया गया है नानाजी देशमुख को। तो दो व्यक्तियों को यहाँ पे मरणोपरांत दिया गया है, एक तो भूपेन हजारिका जो कि एक गायक कलाकार थे भूपेन हजारिका, और मिला है दोस्तों नानाजी देशमुख। इन दोनों को मरणोपरांत मिला है, यहाँ पे नानाजी देशमुख का ऑप्शन है मरणोपरांत में, तो ये ए करेक्ट हो जाएगा। नानाजी देशमुख एक समाज सेवी थे, और यहाँ पे और प्रणब मुखर्जी को मिला है जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और 2010 में नानाजी देशमुख का निधन हो गया था, और 2011 में भूपेन हजारिका का निधन हुआ था। तो इन तीनों को मिला है अब की बार भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो यहाँ पे आपको पूछा है विषाणु जनित रोग का, ये हो जाएगा खसरा। खसरा है, मीजल्स है, ये आपका विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो सूखा रोग है ये रिकेट्स ही रोग होता है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। और सिफिलिस ये सेक्सुअल डिजीज है, एक प्रकार की बैक्टीरिया जनित रोग है, सेक्सुअल डिजीज है, सिफिलिस है। बेरीबेरी B1 की कमी से होता है, एक प्रकार का कुपोषण रोग है बेरीबेरी। और अगला क्वेश्चन है, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो महेश भूपति हैं दोस्तों टेनिस से संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की क्यों नहीं की जाती है? तो जस्ता दोस्तों ज़्यादा एक्टिव होता है, इसके कारण जस्ता की कोटिंग नहीं होती है, वो रिएक्शन कर देता है जो भी खाद्य पदार्थ है उनके साथ में। और टिन होता है SN, ये इसकी रिएक्शन कम होती है, अभिक्रियाशीलता कम होती है, जिसके कारण जस्ता टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, और इस कारण यहाँ पे कोटिंग की जाती है वो टिन की कोटिंग की जाती है। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में दांत की जो परत होती है वो इनेमल होता है, वो सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें आपके। और WHO ने गैर संक्रामक रोगों के रोकथाम और नियंत्रण के लिए कौन सी पहल शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गैर जो संक्रामक रोग हैं, बिना संक्रामक संक्रमण के फैलने वाले रोग हैं, तो उनकी रोकथाम और कंट्रोल के लिए जो स्कीम लॉन्च की है उसका नाम है BHealthy B Mobile। एक बुक भी पब्लिश की थी इन्होंने 2014 में, तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए करेक्ट है।
अगला सवाल, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो भरतनाट्यम है ये आपके डांस है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और बात करें यहाँ पे मोहिनीअट्टम की, मोहिनीअट्टम है दोस्तों केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम दो केरल के हैं, और भरतनाट्यम है ये दोस्तों डांस है तमिलनाडु का। ओके, अगला सवाल है, आउटर लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद किस प्रकार से हो जाएगी? तो जो आउटर लेंस है कॉनकेव मिरर है, ये इस टाइप से हैं आउटर लेंस, और ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया आउटर लेंस के मुख्य फोकस पर, ये मान लीजिए इसका मुख्य फोकस है अपवर्तन, मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही किरण, तो मान लीजिए ये किरण आ रही है इस टाइप से मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए, यहाँ से ये प्रतीत होगी एफ से, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ये लेंस है तो अपवर्तन का काम करेगा, अपवर्तन के केस में क्या ये किरण इस प्रकार से मुड़ जाएगी तो ये समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण ही यहाँ पे मुख्य फोकस से गुजरती है आपको पता है, तो यहाँ से प्रतीत होती है, एक्चुअल में जो किरण आ रही है वो इस प्रकार से आपको प्रतीत होगी कि यहाँ आनी चाहिए, लेकिन ये अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका मुख्य अक्ष के समानांतर है, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी, इनका नाम है वाशिंगटन सुंदर है, इनकी आयु अभी कुछ 19 वर्ष के आसपास है, तो सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी हैं। और अगला सवाल है, हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार किस ओर झुकेगी? तो हवा कैसा माध्यम है? हवा एक विरल माध्यम है, और कांच कैसा है? सघन माध्यम है। मान लीजिए ये आपका कांच है और कोई प्रकाश की किरण आ रही है हवा से, ये आपके बाहर हवा है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और ये इसका अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब है। तो मान लीजिए ये आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो इसकी क्या विशेषता होती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी ये इस टाइप से जानी चाहिए किरण, लेकिन ये अभिलंब है इसकी ओर मुड़ जाएगी, तो अभिलंब की ओर ये झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की गति को है वो बढ़ा देता है उसे कहा जाता है कैटालिस्ट होता है, वो उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की गति को वो बढ़ा देता है वो होता है आपके उत्प्रेरक। सभी अम्ल धातुओं के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो सभी अम्ल मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में अपन HCl लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन धातु जिंक के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जिंक ZN के साथ कराते हैं, तो क्या अपन को मिलता है? तो इसके लिए अपन को यहाँ पे 2HCl लेना पड़ेगा, ZnCl2 बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी आपके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यदि जो एसिड है इसकी रिएक्शन यदि अपन धातु जिंक के साथ कराएंगे तो ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने, ये रीजनिंग का है। इंक पेन के अंदर क्या होती है? स्याही होती है, इंक होती है, और लेटर के अंदर अपन स्टाम्प लगाते हैं, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ये अपन टिकट लेते हैं, इंजन के अंदर कार नहीं होता दोस्तों, कार के अंदर इंजन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिख दिया है, तो ये सी आपका ओड हो जाएगा, विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। और इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? 1990 में जो प्रथम खेल एशियाई खेलों में शामिल हुआ है ये स्पोर्ट है कबड्डी, कबड्डी को 1990 के एशियाई खेलों में शामिल किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। और निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों एलिमेंट है फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, ये फोन करके आप याद रख सकते हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का जो परिणामी प्रतिरोध है वो क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध हैं, जितने भी प्रतिरोध हैं उनका योग हो जाएगा परिणामी प्रतिरोध, तो R बराबर 2 प्रतिरोध है, 3 + 6 कितने होते हैं 9 ओम हो जाएगा आपके परिणामी प्रतिरोध। अगला सवाल, 2 सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थितिक घर्षण का कारण बनती हैं?
तो सतहों की अनियमितताएं होगी तो वो लॉक हो जाएगी। जो भी दो सरफेस हैं इनके अंदर यदि कुछ इस प्रकार अलग अलग खड्डे हैं, अनियमितताएं हैं, तो आपस में लॉक हो जाएगी। मान लीजिए एक ऐसा खड्डा है और दूसरा इसके विरुद्ध ऐसा खड्डा, तो ये आपस में लॉक हो जाएंगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, जिसके कारण इनका घर्षण हो जाएगा, स्थितिक घर्षण। तो इंटरलॉकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कराधान के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत भुगतान करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो भुगतान करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल निष्पक्षता का होता है, तो निष्पक्षता इक्विटी का जो सिद्धांत है वो ही भुगतान करने की क्षमता से संबंधित है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था आपके। और नेक्स्ट वन है, एक बिजली संयंत्र जहाँ बिजली बनाने के लिए टर्बाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिजली बनाने के लिए आपको टर्बाइन की ज़रूरत होती है, और टर्बाइन को चलाने के लिए यहाँ पे आपको भाप की ज़रूरत पड़ेगी। भाप अपन कौन से ईंधन से प्राप्त करेंगे? तो दोस्तों, भाप बनाने के लिए जो ऊष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है वही होती हैं ताप विद्युत संयंत्र होता है वो यंत्र। जलते हुए ईंधन से जो ऊष्मा प्राप्त करके भाप बनाते हैं, फिर भाप से टर्बाइन को चलाते हैं और वहाँ से बिजली बनती है, तो ये जो संयंत्र हैं वो ताप विद्युत संयंत्र हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जब चंद्रमा पतला होता रहता है, यानी जो फुल मून है उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा है वो पतला होता रहेगा धीरे धीरे, तो पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में चंद्रमा है वो पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है, और उसे क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे क्षय हो रहा है, चंद्रमा धीरे धीरे पतला हो रहा है, मतलब चंद्रमा की क्षयन अवस्था ये हो जाएगी, जो कि अदृश्य हो जाती है, तो ये क्षयन अवस्था होती है। और नेक्स्ट वन, अगला है, निमोनिया किसकी सूजन का कारण होता है? निमोनिया में क्या होता है दोस्तों? जो अपने लंग्स होते हैं फेफड़े, उसके अंदर जो बैग होते हैं, लंग्स क्या होता है, फेफड़ों के अंदर वायु के बैग होते हैं, तो वायु के बैग में पानी या फिर मवाद भर जाती है। निमोनिया रोग में क्या होता है? फेफड़ों के अंदर वायु के बैग में पानी या फिर मवाद भर जाती है, और वहाँ से मवाद भरने के कारण फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, वायु के बैग में सूजन आ जाती है, और वहाँ से फिर बलगम युक्त खांसी आएगी, आपके बलगम होगा खांसी में, या फिर सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। तो यही हो जाएगा, फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों में सूजन आती है, वहाँ से पानी भर जाता है फेफड़ों में, उस केस में उसे निमोनिया बोलेंगे अपन। अगला सवाल, ब्रह्मोस सेकेंड एक है, तो एक क्या है दोस्तों? ब्रह्मोस सेकेंड एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मिसाइल भी दो प्रकार की होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, तो ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल में भी हाइपरसोनिक है, जो वर्तमान में रशिया के एनपीओ मशीनों इस्त्रोनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो डीआरडीओ इंडिया और रशिया के एनपीओ मशीनों इस्त्रोनिया, इनके यहाँ पे निर्माण का कार्य चल रहा है ब्रह्मोस सेकेंड का, तो ये एक प्रकार के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। मैंने इससे पहले आपको बताया है किस प्रकार सबसोनिक क्या होता है, सुपरसोनिक क्या होता है, हाइपरसोनिक क्या होता है। तो सबसोनिक तो वो स्पीड जो ध्वनि की गति से कम होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि ध्वनि की गति से कम है, जैसे यात्री विमान है, तो वो सबसोनिक हो जाएगा। सुपरसोनिक में क्या होता है? ध्वनि की चाल जो 343 मीटर पर सेकेंड है, उससे 5 गुणा यदि स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो आपकी सुपरसोनिक हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं इन जो हाईएस्ट स्पीड होती है इस प्रकार से ज़्यादा स्पीड वाले को मैक के अंदर मेजर किया जाता है। तो जो 1 से लेकर 5 मैक तक की स्पीड है वो आपकी सुपरसोनिक है, 1 से कम वाले सबसोनिक हैं, और 5 से ज़्यादा स्पीड वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये ब्रह्मोस सेकेंड हाइपरसोनिक है, तो ये 7 मैक है, इसकी स्पीड क्या है? 7 मैक है, तो ये आपका हाइपरसोनिक है, बहुत ही ज़्यादा तेज स्पीड का है, क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस सेकेंड जो अभी विकासाधीन है। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? के की कमी से क्या हो जाता है दोस्तों? रक्त के थक्के जमने में विफलता फेलियर हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग है वो फेलियर हो जाता है विटामिन के की कमी से। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग यहाँ पे वाटरफॉल है, झरने हैं? तो ये दोस्तों सबसे ऊंचा जो भारत का जलप्रपात है, जो जोग जलप्रपात है, वहाँ पर ये 4 झरने हैं, राजा रानी रॉकेट रोरर। और जोग जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर है, जो कि 253 मीटर हाइट पर है जोग, या फिर इसे गोरसपा जलप्रपात कहा जाता है। और यहाँ पर एक है दूध सागर, तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये है दोस्तों कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। कहाँ पर है? गोवा में है, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर है दूध सागर जल प्रपात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ये इजी है दोस्तों, आप देख सकते हो। ओके, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित दो ऑब्जेक्ट हैं,
एक का यहाँ पे द्रव्यमान m और दूसरे का m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो ये दोस्तों आकर्षण बल जो F हो जाएगा वो कैपिटल G सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुणा एम जो भी दो द्रव्यमान है अपॉन आर स्क्वायर, यानी इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है ये बल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बात करें आपकी ये जो कैपिटल जी है इसकी यदि मैं बात करूं, ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसे कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है 6.67 गुणा 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है कैपिटल जी की वैल्यू, बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और अगला सवाल है NH3 में नाइट्रोजन की आपको वैलेंसी पूछी है, तो NH3 ये इस टाइप से होता है H और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है वो कितने ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन अणु के परमाणु के साथ जुड़ा हुआ 3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 यहाँ पे सहसंयोजक बंध बन रहे हैं मतलब इसकी संयोजकता है वो 3 हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वायवीय श्वसन क्या है, वायवीय श्वसन तो ये दोस्तों है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन है उसे वायवीय श्वसन बोला जाता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अवायवीय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना है ये कौन सी सरकार ने शुरू की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। और ये योजना क्या है दोस्तों, इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के शहरी युवा हैं उनको हर साल 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा, स्पेशली यहाँ पे शहरी युवाओं को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो एक साल में 100 दिन का इनको रोज़गार मिलने वाला है। ये है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अघुलनशील लवण होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया में अघुलनशील घुलते नहीं है वो अघुलनशील लवण होते हैं, अवक्षेपित होते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है, तो मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलती है, मच्छरों द्वारा हो जाएगी आपके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है तो कितना आवेश यहाँ पे प्रवाहित होगा, तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। I बराबर आपको 3 एम्पियर दे रखा है और जो t समय दे रखा है वो 1 मिनट, 1 मिनट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड होती है मिनट की, तो ये सॉरी समय की जो ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड यहाँ पर मैं ले लूँगा। और आवेश आपको पूछा है तो धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है I बराबर क्यू अपॉन टी या फिर क्यू बराबर आई टी, आई कितना 3, टी कितना 60 है, तो 60 गुणा 3 कितना हो जाएगा 180, 180 कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम है सही, तो 180 यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 180 कूलाम। नेक्स्ट वन, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों दिल्ली के अंदर नहीं है पंचायती राज व्यवस्था, ये है केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। यदि बात करें भारत में जो टोटल 29 राज्य हैं इनमें से अभी तक 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, एक आपका नागालैंड है, सेकेंड मेघालय और मिजोरम, इन तीनों में ही पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, नागालैंड मेघालय और दोस्तों मिजोरम, इन तीनों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और यूटी के अंदर बात करें जो आपके साथ केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है उसमें दिल्ली के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो ये, तो आपको पता होना चाहिए बोरेक्स होता है ये एक बेस होता है, वीक बेस होता है, दुर्बल क्षार होता है, तो क्षार का क्या कार्य होता है, क्षार लिटमस जो लाल लिटमस होता है उसको नीला कर देता है, तो बोरेक्स है यानी क्षार के अंदर ये लिटमस पत्र जो लाल होगा वो नीला हो जाएगा, तो नीले के केस में ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि करेक्ट हो जाएगा आपके। और जो अगली शिफ्ट है वो देख लेते हैं, अगली शिफ्ट है आपके 23 मई की सेकेंड शिफ्ट, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये बिल्कुल हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए उत्तकों का अध्ययन यानी उत्तक विज्ञान, और इंग्लिश में बोले तो जो टिश्यू स्टडी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी, क्या कहा जाता है हिस्टोलॉजी, यहाँ पे ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
और बाकी साइटोलॉजी की बात करें तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी और उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक, और उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। तो यहाँ पे उत्तकों का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी हो जाएगा, कोशिका का साइटोलॉजी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अमीबियासिस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो अमीबियासिस को अमर बारुगणिता भी बोला जाता है, इसके कारण पेचिस बीमारी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये जो पेचिस बीमारी है ये दूषित जल या फिर दूषित खाद्य पदार्थ के सेवन से होने वाली बीमारी है। एक जल का रोग है जो कि जीवाणु जनित रोग होता है, और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आंतों की सूजन के साथ खूनी दस्त लगती है इस बीमारी में पेचिस के अंदर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत की बात हो रही है, तो गाय का गोबर है ये दोस्तों ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। काऊ डंग है ये ऊष्मा का जीवाश्म स्रोत नहीं है। एक क्वेश्चन था, एक ध्वनि तरंग की आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 50 हर्ट्ज है, और इसकी वेवलेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है, तो इसकी आपको चाल है, स्पीड है, वो फाइंड आउट करनी है। तो इन तीनों के मध्य क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ध्वनि की चाल है, जैसे जो भी वेलोसिटी है, चाल है, वो बराबर होती है आपके लैम्डा एफ, एफ जो फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा तरंग दे दे रही है, तो वी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वी बराबर लैम्डा एफ होता है, लैम्डा कितनी दे रखी है आपको, 4 मीटर दे रखी है, एफ 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपके 200 मीटर पर सेकेंड वेग है, या फिर ये स्पीड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, तो 200 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये दोस्तों वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, तो यहाँ पे वसा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आमेर का किला राजस्थान, जयपुर राजस्थान में है, तो उस टाइप से अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इजी क्वेश्चन था, रीजनिंग का था ये। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर पनडुब्बी हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या। मान लीजिए ये आपका एक जल स्रोत है, इसके अंदर पानी ही पानी है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये तरल पदार्थों पर लागू होता है, और इसके अंदर मान लीजिए एक नाव है, ये आपकी नाव है जो कि इसके चारों तरफ पानी है और पानी के अंदर ये तैर रही है, तो पानी के द्वारा इसके ऊपर की दिशा में एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्प्लावन बल, जो कि पानी के द्वारा इसके विपरीत दिशा में लगाया जाता है ये उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज क्या कहते हैं, जो ये उत्प्लावन बल है इसका मान है वो इस नाव के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर है। किसी तरल माध्यम में कोई भी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान है उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर। ये ऑब्जेक्ट है, कितना दर वो विस्थापित करता है उसके भार के इक्वल आपका उत्प्लावन बल होगा, यह कहते हैं आर्किमिडीज, और ये आपका नियम हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इस पे पनडुब्बी पर ये लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके उसे जंग बचाने के लिए एक विधि है। तो गैल्वनाइजेशन है, जो गैल्वेनीकरण है, ये कोई भी लोहा है उसके ऊपर यदि अपन जिंक यानी जस्ते की कोटिंग कर देते हैं तो वहाँ पर वो जंग से बच जाएगी, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगी, तो जिंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ता, ऑप्शन ए करेक्ट है। आवर्तसारणी की 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं, तो आवर्तसारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये वाली जो 36 पंक्तियां हैं उसे बोला जाता है अपने आवर्त बोलते हैं। टोटल आधुनिक आवर्तसारणी में 7 आवर्त हैं और 8 आपके ग्रुप है, स्तंभ है, जो समूह है वो 8 हैं और 7 आपके आवर्त हैं, तो उन्हें आवर्त बोला जाता है 36 पंक्तियों को। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। तो ये दोस्तों अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित थी, पहली महिला अध्यक्ष थी यूनाइटेड नेशंस जो यूएनओ है, और 1953 में ये बनी थी यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल है, नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये गोल्फ का कप है, नोमुरा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, गोल्फ का कप है नोमुरा कप। किसी पदार्थ के उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को बोला जाता है विसरण।
जो उच्च सांद्रता वाला क्षेत्र है वहाँ से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाने को विसरण बोला जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है? तो विटामिन सी का जो यहाँ पे स्रोत हो जाएगा खट्टे फल है, ये विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ये प्रतिपादित की थी चार्ल्स डार्विन की, ये थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगला सवाल, एक अवतल दर्पण इसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न करता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने कितनी दूरी पर स्थित है? साइंस का न्यूमेरिकल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बिंब की दूरी दी गई है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, यानी u बराबर आपको -5 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, तो माइनस जो कहता है कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की दूरी जहाँ से अपन यहाँ से सेंटर से मेजर करेंगे तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसकी विपरीत दिशा में मेजर करेंगे तो ये आपकी माइनस होगी दूरी, तो यू वहाँ पे मैंने आपको माइनस ले के बता दिया है, यू बराबर -5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 3 गुणा आवर्धन हो रहा है, 3 गुणा आवर्धन मतलब एम बराबर -3। अब देखिए एम -3 क्यों लिया, आवर्धन होता है क्या है दोस्तों, ये होता है प्रतिबिंब का आकार बट्टा बिंब का आकार, जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसका रेशियो होता है HI/SO, और यहाँ पे जो HI है इमेज है वो नीचे की तरफ बन रही है यानी माइनस हो जाएगी, तो M भी आपका माइनस हो गया, -3 यहाँ पे M हो गया, तो U यहाँ पे हो गया -5, M हो गया आपके -3, V आपको फाइंड आउट करना है, इनके मध्य क्या रिलेशन है दोस्तों, M बराबर होता है -V/U, ये इसका फॉर्मूला है आवर्धन बिंब और प्रतिबिंब दूरी का, M आपको -3 यहाँ पे दे रखा है, -V, U दे रखा है -5, तो यहाँ से V क्या निकल के आएगा, V आ जाएगा आपके -15, तो V आपका 15 सेंटीमीटर करेक्ट है। माइनस क्या दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसी दिशा में बनेगा दर्पण के, ये दर्पण है तो वापस इसी दिशा में नीचे की साइड में आपका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसी दिशा में होने के कारण ये माइनस सिंबल आ रहा है इसमें आंसर में, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एशियाई एयरगन चैम्पियनशिप 2019 में भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो टोटल यहाँ पे भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियाई एयरगन चैम्पियनशिप 2019 में। विद्युत धारा का प्रवाह है, तो आवेश प्रवाह की दर धारा होती है, विद्युत आवेशों का प्रवाह है, ऑप्शन बी करेक्ट है। जमीन अभिलेख का यहाँ पे कंप्यूटरीकरण, जो भी जमीन लैंड से संबंधित डाटा है रिकॉर्ड है वो सभी कंप्यूटर में फीड किए गए हैं, हाल ही में कर्नाटक सरकार की ये एक पहल है, तो इनका योजना का नाम पूछा है, ये कौन सी परियोजना है? तो ये कर्नाटक सरकार की भूमि परियोजना के तहत जो भी लैंड से संबंधित रिकॉर्ड हैं वो कंप्यूटरीकरण प्रणाली के तहत उनको कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को वहाँ पे कलेक्ट किया गया है, तो ये भूमि हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये दोस्तों द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है। और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा है ये दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, आंध्र प्रदेश की एक सिटी है विजयवाड़ा, जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित सिटी है आंध्र प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सा रूट सब्जी नहीं है? तो जड़ मूल वाला कौन सा नहीं है, नहीं का पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ऑप्शन टी टमाटर नहीं है, बाकी गाजर है, सलगम, मूली, ये सभी जड़ वाली सब्जी होती है, मूल वाली। अगला सवाल है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन आघात तरंगों के द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज़ ध्वनि क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत है वो ध्वनि से अधिक चाल से यदि गति करता है तो वहाँ पर जो आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो आघात तरंगें बहुत ही ज़्यादा तीखी और तेज़ होती हैं, उन्हें सोनिक बूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोनिक बूम बोला जाता है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितनी होती है? तो 60 से 100 के बीच में ये होती है, एक मिनट में धड़कन होती है 60 से 100 के बीच में, सी करेक्ट हो जाएगा। घर्षण बल के बिना कौन सा कार्य यहाँ पे असंभव है? तो गीले संगमरमर, एक तो संगमरमर ऊपर से गीला नहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिकना हो जाता सतह, और बिना घर्षण बल के यहाँ पे अपन फिसल जाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो ये एकदम एग्जैक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों कार्य आसानी से
कर सकते हैं बिना घर्षण के भी। धावनी की चाल है माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। तो ये तीनों गुण प्रत्यास्थता ताप दाब इन तीनों गुणों पर धावनी की चाल है वो डिपेंड करती हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? तो साइनस हो जाएगा। नाक के पास जो गुहाओं हैं वो वायु से भर जाती हैं और उसे साइनस बोला जाता है। ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, साइनस। और नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। विटामिन बी का सबसे समृद्ध, तो सबसे समृद्ध स्रोत है विटामिन बी का, वो आपके हो जाएगा अनाज। अनाज यहाँ पे चावल है वो विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त कार्बन यौगिक जलने पर बहुत सारे काले धुएं के साथ जो असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, और वो यौगिक जलने पर बहुत सारे धुएं के साथ में एक रंग की लो उत्पन्न करता है, तो नीले रंग की लो कैसी, सॉरी पीले रंग की लो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये धुएं के साथ में एक पीले रंग की लो उत्पन्न करेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो नाम से स्पष्ट है यहूदी, तो ये हो जाएगा यहूदी धर्म। यहूदी है वो यहूदी धर्म का पालन करते थे। और इंग्लिश में यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन डी करेक्ट है, तो इंग्लिश वालों को यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। अगला सवाल, बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है? तो बोर ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, नील बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को कुछ संशोधन करके परमाणु सिद्धांत दिया था नील बोर ने, तो निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रखता है? तो ये ऊर्जा का संरक्षण रखता है। वैसे देखिए दोस्तों, जो परमाणु मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था, उसके बाद नील बोर ने उनको संशोधित किया था और अपना सिद्धांत दिया था। तो परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड का है उसके अकॉर्डिंग परमाणु में एक धनात्मक नाभिक होता है और उसके चारों ओर क्या, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बताया था रदरफोर्ड ने। लेकिन बोर ने यहाँ पे कुछ चेंजेज किए, इसमें बदलाव किया है। बोर ने बताया प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, देखिए यहाँ पे ये नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो प्रत्येक कक्षा की बात कर रहा है ये, प्रत्येक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। यहाँ पर बहुत सी कक्षाएं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक कक्षा जो भी कक्षा है उसकी ऊर्जा फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है। अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही कक्षा की ऊर्जा है वो आपकी निश्चित होती है, यह कहा था, परमाणु मॉडल दिया था बोर का जो सिद्धांत है, तो एनर्जी संरक्षण का है, ऊर्जा का करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपॉन 2π के पूर्ण गुण, जो उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, यह भी बोर ने बताया था अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग क्या बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर साधारण नमक का उपयोग है ये दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी को बनाने में कच्चे माल के रूप में करते हैं। ब्लीचिंग सोडा जो विरंजक चूर्ण है CaOCl2, और बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग सोडा, NaHCO3, तो ये है आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2019 में भारत की पहली हाईटेक फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया है? तो भारत की प्रथम हाईटेक फॉरेंसिक लैब का 2019 में जो उद्घाटन किया है वो दोस्तों किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने किया है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो आपके हो जाएगा नाभिक है, कोई भी कोशिका के अंदर मौजूद, और सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। क्या है, सबसे बड़ा तो आपके नाभिक है और सबसे छोटा है राइबोसोम। ओके, अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है, 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। और बात करें पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों कप है आपके हॉकी का, मुर्गप्पा गोल्ड कप है, ये हॉकी का कप है। अपरिष्कृत जन्म दर प्रतिवर्ष कितने, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या? तो 1000 हो जाएगा, जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो ज़्यादातर 1000 पर किया जाता है इस प्रकार से जनगणना में। तो अपरिष्कृत जन्म दर प्रतिवर्ष प्रति 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, प्रतिवर्ष
जो 1000 व्यक्ति जन्म लेते हैं उनमें से जीवित बच्चों की जो संख्या है वही आपके अपरिष्कृत जन्म दर हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएंगे पी सदाशिवम है केरल के वर्तमान राज्यपाल, यानी पिनाराई सॉरी पलानीस्वामी सदाशिवम पिनाराई विजयन तो केरल के सीएम है और पलानीस्वामी सदाशिवम है केरल के राज्यपाल। ओके अगला सवाल, नींबू का रस खट्टा होता है क्योंकि इनमें एसिड होता है। आपके अमल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसके कारण नींबू का रस है वो खट्टा होता है। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद रिजल्ट हुआ था जो परिणाम रहा था उसमें बांग्लादेश अलग हो गया था पाकिस्तान से, यही इसका परिणाम रहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोहे में जंग लगना इनमें से कौन सी रिएक्शन है? तो लोहे के अंदर जंग लगना ये हो जाएगी आपके रेडॉक्स है, जहाँ पे अपचैन और उपचैन यानी ऑक्सीकरण और आपके उपचैन है अपचैन दोनों रिएक्शन हो रही है। एक तो वहाँ पे अपचैन हो रहा है और दूसरा हो रहा है आपकी उपचैन, ऑक्सीकरण और अपचैन दोनों रिएक्शन हो रही है, वही आपके हो जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या, यहाँ पे दोस्तों बात करें लोहे के जंग की, तो लोहे के जंग का जो फॉर्मूला है उसमें रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले लोहा Fe आयरन हो जाएगा, आयरन के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के साथ करता है जल, तो ये तीनों के रिएक्शन होने पर आपका जो जंग है वो बन जाएगी, जिसका फॉर्मूला होता है जो जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। जंग का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.NH2O, जो कि आयरन प्लस O2 प्लस जल, इन तीनों के मिश्रण से जंग लग जाती है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया के तहत लगती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे पास में जो वायुमंडल की परत है वो है आपके क्षोभ मंडल, जिसकी हाइट की बात करें तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की हाइट है 8 से 10 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की हाइट है 18 से लेकर 20 किलोमीटर है। आपके क्षोभ मंडल है ध्रुवों पर तो 8 से 10 है, विषुवत रेखा पर 18 से लेकर 20 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के बाद आ जाता है आपका समताप मंडल आ जाता है, समताप मंडल में ओजोन मंडल है, उसके बाद आ जाता है मध्य मंडल, फिर आपका आ जाता है ताप मंडल जिसमें आयन मंडल है, और फिर बाह्य मंडल आ जाता है। इस टाइप से ये होता है और बाह्य मंडल है जो कि 500 से 1000 किलोमीटर हाइट पर होता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ समताप मंडल की, जो कि क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल है 20 से लेकर 50 किलोमीटर की हाइट पर है ओजोन मंडल, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर ये वनडे की बात हो रही है, एक पारी में रोहित शर्मा ने सबसे हाईएस्ट रन बनाए थे, 264 रन बनाए थे 2014 में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे, 264 रन बनाए थे रोहित शर्मा ने। ये कारनामा रोहित शर्मा ने 33 बार किया है अब तक, 3 बार इन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया है, एक बार इन्होंने 264 बनाए हैं, एक बार 209 बनाए थे, एक बार 208 बनाए हैं। इसके अलावा भारत के दो और क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर ने 200 बनाए थे, बाकी वीरेंद्र सहवाग भी एक बार 219 रन बनाए थे, तो ये तीनों क्रिकेटरों ने ये कारनामा किया है 200 से अधिक रन बनाने का। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक दिवसीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक रन है, ये रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन है, 2014 में बनाए थे इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध। ओके अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद और उच्च गुणवत्ता की होती है? तो ये संगीत होता है जो बिल्कुल सुखद और हाई क्वालिटी का होता है, रिच क्वालिटी का, ऑप्शन डी करेक्ट है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत हो जाएगा, बाकी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपको पता है त्वचा, तो यहाँ पर आंतरिक अंग यकृत करेक्ट है। एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? निडल का किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं 23 मई की थर्ड शिफ्ट के साथ, इसका पहला जीके का क्वेश्चन, अयस्कों का भर्जन क्यों किया जाता है? आंसर हो जाएगा सल्फर निकालने के लिए।
आपको मैं बता दूं एस्को का भर्जन होता क्या है। तो एस्क से आपको यदि धातु निकालनी है, एस्क है इनसे धातु पृथक करनी है, तो सबसे पहले आपको एस्क है उसको एस्क ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। अब एस्क ऑक्साइड में बदलने के लिए अपने पास दो विधि है, एक तो भर्जन है एक निस्तापन है। स्पेशली यदि वहाँ पर सल्फाइड का कोई एस्क है उसको एस्क ऑक्साइड में बदलना है तो भर्जन विधि का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ से सल्फाइड एस्क से अपन को सल्फर निकालनी है, यानी भर्जन विधि का प्रयोग हो रहा है, तो सल्फर निकालने के लिए एस्कों का भर्जन किया जाता है। अब देखिए एस्क है उसको एस्क ऑक्साइड में बदला जाएगा भर्जन विधि से, और फिर एस्क ऑक्साइड का किया जाएगा अपचयन। क्या किया जाएगा? अपचयन किया जाएगा। अपचयन के फलस्वरूप अपन को धातु प्राप्त होगी, वो सल्फर प्राप्त होगी। अब देखिए भर्जन जो होता है वो सल्फाइड एस्क को वायु की अधिकता में गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके, जो सल्फाइड है एस्क है सल्फाइड का, उसको वायु की अधिकता में गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड में बदला जाता है भर्जन विधि से। फिर वो जो एस्क ऑक्साइड है उसका अपचयन करके अपन सल्फर निकाल देते हैं। यदि वहाँ पे सल्फर का कोई एस्क नहीं है, उसके अलावा कोई एस्क है सल्फाइड का एस्क नहीं है, तो वहाँ पर विधि प्रयोग की जाती है उसका ऑक्साइड बनाने के लिए, निस्तापन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला पिक्को उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे आपको पूछा है भारत का प्रथम पिक्को उपग्रह। देखिए पिक्को उपग्रह होता क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो पिक्को उपग्रह वह उपग्रह होता है जिसका द्रव्यमान दोस्तों 1 किलोग्राम से कम होता है और 0.1 किलोग्राम से, यानी 100 ग्राम से अधिक और 1 किलोग्राम से कम, वह उपग्रह हो जाएगा पिक्को उपग्रह। और जो ये उपग्रह है भारत का पहला पिक्को उपग्रह, ये है स्टूडसैट। क्या है दोस्तों? ये भारत का पहला है स्टूडसैट जो पिक्को उपग्रह है, इसे विद्यार्थी उपग्रह कहते हैं, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 7 अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं वहाँ के विद्यार्थियों के द्वारा ये देश में विकसित किया गया प्रथम पिक्को उपग्रह है। इसका वेट है वो 1 किलोग्राम से थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडसैट है, ये प्रथम पिक्को उपग्रह है। अगला सवाल, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सकों के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैस की जो टोटल संख्या है वो 6 संख्या है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी आपके, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकेंड यहाँ पे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड मेथेन, उसके बाद आपके नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, और उसके साथ है HFC, यानी आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो है HFCs, और उसके बाद है यहाँ पे परफ्लोरोकार्बन PFC, पी परफ्लोरोकार्बन PFCs, और HF6 है, SF6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, और आपके सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ये 6 गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसे हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है, या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है। तो ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध ऋण है वो अवस्था हो जाएगी आपके चीप मनी। क्या हो जाएगी? चीप मनी उसे कहते हैं। अगला सवाल है, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि के प्रवर्तन के बाद हॉल के सभी कानों तक, जो भी कॉर्नर है हॉल के, वहाँ तक पहुँचाया जा सके ध्वनि को। तो सतह को बनाया जाता है यहाँ पे वक्रीय बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है? तो ये आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 26 नवंबर को इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ, यानी 26 जनवरी जो आपका गणतंत्र दिवस है अपना, और 26 नवंबर है संविधान दिवस, इस दिन आपका संविधान है वो
पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में जोड़े में नहीं पाया जाता है, यानी वह अंग सिर्फ एक ही है, उसका पैर नहीं है। जैसे लंग्स दो होते हैं, आँख भी अपने दो हैं, और ये किडनी भी दो हैं, लेकिन मुंह है वो एक ही है, मतलब पैर के रूप में नहीं पाया जाता है ये। अगला सवाल, संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच में अनियमितताओं की उपस्थिति ही घर्षण का कारण बनती है। वहाँ पर आपने जो सब संपर्क में आने पर दो सरफेस हैं उनके बीच में यदि इररेगुलरिटीज हैं, अनियमितताएं हैं, उसकी उपस्थिति के कारण घर्षण का कारण होता है ये। और अगला क्वेश्चन है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। तो मिट्टी है, जो मिट्टी से पानी है वो जड़ों के, पौधे की जड़ों के रेशों में पानी प्रवेश करता है, वो होता है दोस्तों प्रासरण, उसे प्रासरण कहा जाता है। प्रासरण होता क्या है, मान लीजिए एक ये लिक्विड है और L1 है, एक L2 है, बीच में आपके अर्ध पारगम्य झिल्ली है, तो इन दोनों लिक्विड की यदि सांद्रता अलग अलग है, क्या है सांद्रता इनकी अलग है, इसकी भी अलग है, तो प्रासरण में क्या होता है, जो भी कम सांद्रता वाला द्रव है वहाँ से इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से वो द्रव है विसरण करेगा जहाँ पे सांद्रता अधिक है, अधिक सांद्रता वाले द्रव की ओर ये विसरण करेगा, यही होता है आपका प्रासरण। और ये जो पौधे हैं इसमें यही लागू होता है प्रासरण, जो कि पानी है वो जड़ों के रेशों में पानी आता है मिट्टी से, ये प्रासरण के द्वारा आता है, फिर कैपिलरीज के द्वारा ऊपर तने तक पहुंचाया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम का पहला विदेशी कोच किसे नियुक्त किया गया था, तो भारतीय क्रिकेट टीम का जो प्रथम विदेशी कोच है उनका नाम है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, जॉन राइट है, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। उन्होंने 1978 में डेब्यू किया था और 2000 से 2005 तक भारत के कोच रहे ये। और अभी भारत के कोच की बात करें क्रिकेट टीम के, तो रवि शास्त्री हैं, बाकी 2000 से 2005 तक ये रहे थे, जो कि प्रथम विदेशी कोच थे, जॉन राइट, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो परिणामी प्रतिरोध, तो 1 ओम के 4 प्रतिरोध है, परिणामी इनका जोड़ कर दो, 1 × 4 = 4 ओम हो जाएगा। अम्लीय विलयन में फिनोप्थलीन का रंग कैसा होता है, यहाँ पे जो विलयन है वो आपका अम्लीय है, तो फिनोप्थलीन है ये एक इंडिकेटर है, फिनोप्थलीन जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन अनुमापन होता है, अम्ल क्षार अनुमापन, वहाँ पर ये काम करता है इंडिकेटर का। और ये दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में ये रंगहीन हो जाएगा, और ये फिनोप्थलीन यदि बात करें क्षारीय माध्यम की, तो फिनोप्थलीन है ये क्षारीय माध्यम में रेड हो जाता है, अम्लीय माध्यम में तो ये कलरलेस हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में ये रेड है, कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, यहाँ पे अम्लीय माध्यम में तो रंगीन हो जाएगा, बाकी क्षारीय होता तो अपना रेड हो जाता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 2019 IPL का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था, तो 2019 में जो IPL का फाइनल मैच हुआ है ये राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, मुंबई और चेन्नई सुपर किंग के विरुद्ध हुआ था, और जहाँ पर मुंबई है वो विजयी रही है, तो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस है, कौन सा है, लुब्धक तारा है, इंग्लिश में इसका नाम है साइरस है, जो कि सबसे चमकीला तारा है। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ये फिर रिपीट हो गया है, O2 = O+O, टोटल 2 परमाणु, एक अणु के अंदर कितने हैं, 2, आपकी देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है, बीजोजनित रोग ये नहीं है, आलू में होने वाला जो मोजिक रोग है ये बीजजनित रोग नहीं है। विद्युत कार्य की दर, कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति, और विद्युत कार्य की दर विद्युत शक्ति हो जाएगा, जिसका यूनिट वॉट होता है। इनमें से किस चित्रकला विश्वविद्यालय के नाम बिहार के एक ज़िले के नाम पर पड़ा है, तो जो मैथिली चित्रकला है मधुबनी है, तो ये मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला, ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी, जो कि बिहार का एक जिला है। किसकी अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकल की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है, तो जो राजघाट बांध है ये यूपी और एमपी की सीमा पर है, और नदी की बात करें तो बेतवा नदी पर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यूपी, ये यूपी में है, यूपी और एमपी की बाउंड्री पर है, तो ये बेतवा नदी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साबुन अणु में, अणु होता है जो साबुन का, साबुन का, साबुन अणु में
एक एक क्या होता है, तो ये होता है जल स्नेही शीर्ष होता है और जल विरागी पुच्छ होता है साबुन के अणु में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, ये आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे इथेनॉल यदि अपन सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OS है, और इसकी रिएक्शन यदि अपन कराएं सोडियम के साथ तो क्या यहाँ पे बनेगा अपना उत्पाद, उत्पाद बनेगा C2H5ONa बन जाएगा, यानी सोडियम एथोक्साइड, इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा, सोडियम एथोक्साइड हो गया ये और हाइड्रोजन निकल गई, ये हो गया आपके एथेनॉल उसके साथ सोडियम की रिएक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं, तो न्यूट्रॉन है ये दोस्तों हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, और बाकी सभी यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें न्यूट्रॉन है वो मौजूद होता है। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया है, तो गिर, ये गुजरात में है गिर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत का एक वन्य जीव अभयारण्य है। गुरुदेव सिंह गिल किस खेल से संबंधित है, तो गुरुदेव सिंह गिल हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, तो यौवन तक जो सक्रिय रहने वाली ग्रंथि है और इसका नाम हो जाएगा आपके थाइमस ग्रंथि है, जो कि लंग्स हैं, दोनों लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के मध्य है थाइमस ग्रंथि और ये यौवन अवस्था तक ही एक्टिव रहती हैं। कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, रेबीज बीमारी हो जाती है कुत्ते के काटने से। बेरी बेरी किस वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, एक प्रकार का कुपोषण रोग है ये। अगला सवाल, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है, यहाँ पे आपको वायरल डिजीज पूछा है, तो विषाणु जनित बीमारी हो जाएगी आपके खचरा, खचरा है, मिसल्स है, ये विषाणु जनित है, बाकी TB, टाइफाइड, डिप्थीरिया ये सभी बैक्टीरिया जनित हैं, जीवाणु जनित हैं। अगला सवाल, जब पानी में अम्ल की थोड़ी सी मात्रा डाली जाती है, तो पानी में अम्ल की मात्रा डालेंगे तो वहाँ पे तनुकरण तो होगा ही, उसके साथ साथ आयनीकरण भी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल के वाष्पीकरण में वृद्धि होगी, जल के वाष्पीकरण में वृद्धि मतलब जल में तापमान बढ़ रहा है, जल के तापमान में वृद्धि हो रही है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, तो गुरुत्व जनित त्वरण होता है इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं, जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्व त्वरण का मान। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा बलू किसके लिए एक टीका है, पहला टीका है तो ये दोस्तों हो जाएगा नील जिहवा। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया रक्षा बलू नील जीवा के लिए पहला टीका है, बल्यू टंग के लिए ये पहला टीका है। और निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे ऊर्जा मान अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन का ऊर्जा मान है वो अधिक। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, तो कनिष्क है ये कुषाण वंश से संबंधित थे, ऑप्शन सी करेक्ट है। पौधे के किस भाग से हमें कॉफी प्राप्त होती है, तो फली से, पौधे की फली है बीन्स है, वहां से अपन को कॉफी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है, तो पुरुषों के लिए मतदान है या फिर महिलाओं के लिए मतदान है, सभी के लिए 18 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है। किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं है, अपन लेफ्ट हैंड से नहीं खेल सकते हैं, वो है दोस्तों पोलो स्पोर्ट है, सिर्फ अपन राइट हैंड से खेल सकते हैं पोलो स्पोर्ट को। अगला क्वेश्चन, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए, कोई भी धातु है उसके अंदर अदृश्य दरार यानी बहुत ही नगण्य दरार है, नग्न है, उसको देख नहीं सकते हैं, या फिर उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र है, उनका पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगें किसका उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं, तो ये दोस्तों संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई क्यों देता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत हैं वो निम्न होती हैं, यानी जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती हैं, और ये हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, सबसे अधिक इसका प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण यही दिखाई देता है नीला रंग, ऑप्शन सी करेक्ट है।
गन्ना में क्या होता है? तो गन्ना है, ये फ्रूट है, एक तरीके से फल है, तो फल शर्करा, एक तो फ्रुक्टोज होगा, एक ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, गन्ना में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। अगली स्टेप है आपके 24 मई जो प्रथम पारी है वो देख लेते हैं, इसके कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लोरोफॉर्म का आपको अणुसूत्र पूछा गया था, तो CHCl3 हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक क्वेश्चन था, पर्यटकों को भारतीय मसाला उद्योग की वृद्धि और इतिहास से अवगत कराने के लिए निम्न में से किस शहर को भारत का मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का प्रथम जो मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है वो कोची में किया जा रहा है, भारत का प्रथम मसाला संग्रहालय कोची में, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? जो भी राज्य है वहाँ पे आपातकाल यदि लागू किया जाता है, तो राज्य की यदि वहाँ पे संवैधानिक प्रणाली विफल हो जाती है, राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू होता है, तो वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है, अनुच्छेद 352 के तहत है, वो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। जब राष्ट्र में किसी युद्ध की स्थिति आ जाती है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल होता है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके जो राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन है 356 अनुच्छेद बी करेक्ट है। रावण वन है ये किस देश का पहला अनुसंधान उपग्रह है? तो श्रीलंका का प्रथम ये आपका रिसर्च सैटेलाइट है रावण फर्स्ट। किसी दिए गए रंग और माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात है, रेशियो है साइन आई और साइन आर। जो आपतन कोण की जया है साइन आई और साइन आर, अपवर्तन कोण की जया साइन आर, तो ये क्या होता है दोस्तों? ये अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है जो एक फिक्स कॉन्स्टेंट है, और ये नियम है स्नेल का नियम, अपवर्तन का स्नेल का नियम है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी आपका जयपुर राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है, अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे एक तो होता है परजीवी, एक होता है परभक्षी। परजीवी में क्या होता है? जो भी जीव दूसरे जीव पर यदि आश्रित रहता है बिना उसको नुकसान पहुँचाए, यदि उसके आवास स्थल पर रहता है, जैसे कि जूं हो गई, तो जूं अपन को कोई नुकसान ज़्यादातर नहीं पहुंचाती हैं, तो वो परजीवी हो गया। यदि भक्षण करती है, उसको नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो हो जाएगा परभक्षी। अपने जीवन काल के दौरान कई आश्रयदाताओं पर आश्रित रहने वाला जीव है, तो इसमें परभक्षी हो जाएगा। यदि वो दूसरों पर अपना खाना पीना सभी दूसरों पर डिपेंड करता है, उसको खाता है, तो वो परभक्षी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। शक्ति का एसआई मात्रक आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा वट, शक्ति का वट हो जाएगा, ऑप्शन ए। जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशी बल लगाते हैं, एक हथौड़े की मदद से, तो कौन से अन्य बल भी कील को भीतर में ठोकने में मदद करता है? तो वहाँ पर एक और बल लगेगा, घर्षण बल, जो कि मांसपेशी बल के साथ काम करेगा कील को अंदर ठोकने में। अगला सवाल, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? तो प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम है, वो 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? कनाडा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल है ये, कनाडा हैमिल्टन में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, 1930 में हुए थे, जिसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों एथलीट ने भाग लिया था, 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने, तो ये 1930 आपका करेक्ट है। और अगला सवाल, लैंगर हैंस जो द्वीप समूह है वो किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो अग्नाशय, अग्नाशय में पाए जाते हैं लैंगर हैंस के जो आइलैंड हैं, आइलेट्स हैं, लैंगर हैंस जो द्वीप समूह है ये अग्नाशय की बीटा कोशिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, पेंक्रियाज। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो ये बन जाएगा आपके, पानी भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, नमक भी बनेगा। मान लीजिए एक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लेते हैं, और धातु का कार्बोनेट मान लीजिए ले लेते हैं Na2CO3, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ से Na है, Cl है, एक तो ये बन जाएगा आपके, नमक बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, उसके साथ यहाँ पे CO3 HCl, तो एक तो जल बन जाएगा और CO2 बन जाएगा। तो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नमक,
उपरोक्त सभी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का है, तो सत्रिया कहाँ का है? मोहिनीअट्टम नृत्य है, ये केरल का है, सत्रिया है असम का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। अगला क्वेश्चन प्रश्न है, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? मवेशी हैं उनके अंदर मुख और पैरों के जो रोग होते हैं वो विषाणुओं के कारण होते हैं, वायरस जनित रोग होते हैं। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था, आंदोलन था आपके भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला सवाल, परमाणु क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है 10, 18, 36, 54 वाले तत्व कौन से ग्रुप के तत्व हैं? तो ये आपके हो जाएंगे अक्रिय गैस हैं, जो 18वां ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आपके हीलियम है, नियोन है, और ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन है, ये आपके अक्रिय गैस हो जाएगी 18वें ग्रुप के तत्व। अगला सवाल, एक पदार्थ एक्स लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, ये मिथाइल ऑरेंज को बदल कर देगा। तो पदार्थ एक्स दे रखा है, फिर यहाँ पे जो माध्यम दे रखा है, यहाँ से माध्यम अपन देख सकते हैं, क्षारीय माध्यम है या फिर अम्लीय माध्यम है, और ये इंडिकेटर दे रखा है मिथाइल ऑरेंज, तो लाल लिटमस नीला हो रहा है, मतलब माध्यम आपका पक्का क्षारीय हो गया, लाल लिटमस नीला क्षारीय माध्यम। अब इंडिकेटर है ये कौन सा कलर देगा इस क्षारीय माध्यम में इस पदार्थ के साथ में, तो क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज हमेशा पीला कलर देता है। कैसे देता पीला? यदि यहाँ पे माध्यम अम्लीय होता, कैसा होता? अम्लीय माध्यम होता, यदि यहाँ पर यदि दे दिया होता नीला लिटमस लाल हो रहा है, यानी माध्यम अम्लीय है, अम्लीय माध्यम में जो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है ये लाल कलर देता है। क्षारीय में कैसा देता है? पीला देता है। अम्लीय में कैसा देता है? लाल देता है। इस दोनों को याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, मृणाल सेन है जिनका निधन हुआ है हाल ही में 30 दिसंबर 2018 को, वे किस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति हैं? तो ये फिल्म उद्योग के प्रख्यात व्यक्ति हैं मृणाल सेन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन तत्वों के नाम प्रतीक और इकाई को मंजूरी देता है? तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि कोई भी एलिमेंट नया यदि एलिमेंट खोजा जाता है तो वहाँ पर तत्वों के नाम हैं उनका नाम दिया जाएगा, क्या सिंबल रखना है, ये सभी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का काम है। और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? तो ये आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसकी गैस हो जाएगी, वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसमें पदार्थों का यदि अपन फर्मिटेशन कराएं, पदार्थों का किण्वन हो जाए, वहाँ पर ये आपके रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन में वापस अवस्था है, मूल अवस्था में आ सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे दरों का गैसों में, तो वाष्पीकरण से फिर संघनन करके अपन दरों में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस का दरों में, गैस का दरों है तो दरों से फिर उसका वाष्पीकरण करके गैस में बदल सकते हैं, यानी फिर वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। ठोस दरों हैं तो दरों को ठोस में बदला जा सकता है, तो ये हो जाती है आपकी भौतिक अवस्था। बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी है कौन से खेल से? तो ये है फुटबॉल से, बंदोदकर गोल्ड ट्रॉफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा भारत का सबसे पूर्वी राज्य। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना करने के लिए। INS विक्रमादित्य एक विमान वाहक है, क्या है? ये है एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेंद्र प्रसाद के बाद किया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की वेवलेंथ है वो हाईएस्ट होती है, उच्चतम होती है, मैक्सिमम? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपके लाल की, लाल की वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो वायलेट कलर है यानी बैंगनी की वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। अगला सवाल है, ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? क्योंकि दोस्तों ध्रुव तारा है ये पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है,
जिस पर पृथ्वी घूमती है उसी धुरी की दिशा में स्थित है, इसलिए अपन को स्थिर ये दिखाई देता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जीवाणुओं द्वारा पानी के नीचे मौजूद वनस्पति सामग्री के अपघटन से पृथ्वी के नीचे कौन सा जीवाश्म ईंधन बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव में अवायवीय जो जीवाणु हैं उनके द्वारा पानी के नीचे जो मौजूद वनस्पति सामग्री है उनका अपघटन करके पृथ्वी के नीचे हैं वो एक जीवाश्म ईंधन बनता है, ये बनता है प्राकृतिक गैस हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा प्राकृतिक गैस इस जीवाश्म ईंधन का नाम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। और कौन सा उपकरण ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग विद्युत तरंग हो जाएगा आपके माइक्रोफोन। तपेदिक क्या बीमारी है, तो टीबी को बोला जाता है तपेदिक, जो कि फेफड़ों की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये टीबी की रोग है। और अगला सवाल है यहाँ पे हाइग्रोमीटर, ये रीजनिंग का है, जिस प्रकार हाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता से संबंधित है, तो बैरोमीटर, तो आर्द्रता की जो मापा जाता है उपकरण है वो हाइग्रोमीटर है और बैरोमीटर है, ये उपकरण है दाब मापने के लिए, दबाव के लिए बैरोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल, किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या और अंतर ए माइनस जेड करेंगे तो वहाँ न्यूट्रॉन निकल के आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक आपको पूछा है, न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे किलोग्राम करेंगे। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है, तो वो हाथी पाँव बीमारी होती है। और हाथी पाँव बीमारी ये लिम्फेटिक फिलेरियसिस संक्रमित मच्छरों से फैलता है। लिम्फेटिक फिलेरियसिस जो संक्रमित मच्छर हैं उनसे ये फील पाँव की बीमारी होती है, जहाँ पे पाँव है हाथ है ये बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, एलिफेंट की तरह हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन, फेड कप कौन से टूर्नामेंट से, तो महिला का टेनिस कप है ये, फेड कप महिला टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अगला सवाल है कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यौगिक यहाँ पे आपको दे रखा है, इसका आपको IUPAC नाम बताना है। तो इसमें कार्बन कितने 6 हैं, हाइड्रोजन कितने 8 हैं, यानी C3H8, ये किसका नाम है, तो 3 कार्बन प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोपेन आपका करेक्ट आंसर है। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपको दिया है, एक अवतल लेंस है, तो मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष के समानांतर ये वस्तु से एक प्रकाश किरण जा रही है, ये अवतल लेंस है, तो लेंस के अपवर्तन के बाद ये ऐसे मुड़ जाएगी और समानांतर किरण क्या करती है, फोकस बिंदु से, तो यहाँ से आती हुई आपको प्रतीत होगी, यहाँ से आ रही है किरण, तो ये एफ बिंदु हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, तो ये फोकस, मुख्य फोकस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, तो संक्रामक रोग कौन सा नहीं, ये मधुमेह है जो इंसुलिन की कमी से होता है, संक्रामक नहीं है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, तो यह कहलाता है दोस्तों एक्टिन, संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ने वाला मांसपेशियों का भाग एक्टिन कहलाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है, तो लोहा जस्ता ये तो धातु है, नाइट्रोजन गैस अधातु हो जाएगी, एल्यूमिनियम भी धातु है, तो नाइट्रोजन आपके अधातु, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 2019 के जो स्पेशल ओलंपिक हुए हैं, विश्व ग्रीष्मकालीन खेल है, इनका उद्घाटन कब किया गया था, तो 2019 के स्पेशल ओलंपिक का उद्घाटन हुआ था 14 मार्च को, कब हुआ था 14 मार्च को हुआ था, और लास्ट था आपके समापन 14 से 21 मार्च तक, ये गेम चले थे 14 से 21 मार्च तक। और इसमें भारत की यहाँ पे स्थिति की बात करें, तो भारत ने टोटल 268 पदक जीते हैं इस स्पेशल ओलंपिक 2019 में, सॉरी 368 पदक जीते हैं, 368 में से आपके 85 तो गोल्ड हैं, 154 सिल्वर हैं, प्लस 129 हैं आपके ब्रॉन्ज मेडल। और ये कहाँ पे हुए हैं स्पेशल ओलंपिक 2019 हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुए हैं, अबू धाबी में हुए थे ये स्पोर्ट खेल, तो इसमें हो जाएगा आपके 14 मार्च 2019 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में स्टोर होता है? तो ये पित्तरस होता है जो कि यकृत है, यकृत से बनता है और पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। बाइल जूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो इन सभी का, एंटीबॉडी, एंजाइम है, कोशिका झिल्ली, इन सभी का एक अभिन्न अंग है प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और दोस्तों इस शिफ्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2019 में असम के धुबरी जिले में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थापित एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये जो सभी आपके 39 शिफ्ट के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, जीके हैं, जिसमें मैथ्स हैं, रीजनिंग है, तो इन सभी की यदि आपको PDF फाइल डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। अभी यहाँ पे 6 शिफ्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं 39 में से, और इस प्रकार अपन 6-6 के ग्रुप में सभी शिफ्ट कवर करेंगे NTPC के एग्ज़ाम तक। तो बने रहिए चैनल के साथ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके।